Ram Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Sarvapratham Mere Guru Pad Padma Nitalila Pravishnam Vishnu Pad Ashtotar Satasri श्री श्रीमात भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नितलीला ब्रह्मविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमात भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत गले हम लोग श्रवण कर रहे थे कृष्ण जी ठाकुर जी किस चीज की चोरी करते हैं, जिसके हृदय में कोई काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य नहीं। किसके हृदय में ये काम क्रोध नहीं है, कहते संतों का हृदय में। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं संत हृदय न बनी तसमाना, संत हृदय न बनी तसमाना, संत हृदय न बनी तसमाना, संत हृदय न बनी तसमाना। संत हृदय न बनी तसमाना, संत हृदय न बनी तसमाना। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं संतों का हृदय ही मक्खन जैसे कोमल है, लेकिन कहा कभी नहीं पर कहीं न जाना। संतों तो उदाहरण दिया है संतों का हृदय कैसे मक्खन जैसे, लेकिन वो पूरा के पूरा नहीं। बोले क्यों? बोले कारण है ये मक्खन कब पिघलता है, जब गर्माहट में। लेकिन इस संतों का हृदय बोले पर दुख द्रवई संत पुनीत, दूसरों को दुख दे करके संतों का हृदय पिघल जाते हैं। मतलब मक्खन से भी ज्यादा कोमल श्री संतों का हृदय है। लेकिन इस संतों में सबसे बड़े संत कौन है, ब्रज की गोपी। ये गोपियां जैसे जगत में कोई संत है नहीं, इसलिए इनका नाम है गोपी। गो मतलब होता है इंद्रियां और पी मतलब होता है पिना, जो तो नित्य निरंतर अपना इंद्रियों को द्वारा कृष्ण प्रेम रस को जो पान करती हैं, कहती है सर ब्रज की गोपियां। इसलिए कृष्ण मक्खन चोरी करने नहीं, गोपियों के हृदय को चोरी करने के लिए प्रभु जाया करते थे। एक दिन मैया जसोदा सोच रही हैं, ये रोज रोज ये गोपियां आकर के शिकायत करती हैं, तेरे लाला हमारे घर में मक्खन चोरी करता है। सचमुच से क्या मेरे लाला मक्खन चोरी करता है? नहीं तो ये रोज रोज क्यों शिकायत करेंगे? लगता है मेरे घर के दासियां ये मक्खन को ठीक ठीक से बनाना नहीं पाती, शायद मेरे घर का मक्खन खट्टा होता होगा। इसलिए कृष्ण दूसरे गोपियों के घर में मीठी मीठी मक्खन खाने जाते हैं। बोले मैं स्वयं अपना हाथों से ही मैं मक्खन बनाऊंगी, अपना हाथों से गैया की दूध निकाले। कौन कौन सा गैया? बोले जो पद्म गंधा गा, जिनकी दूध से कमल फूल का खुशबू निकलती है। बोले जिस गैया की कान काला रंग हो उसकी जो दूध बड़ा पुष्टिकारी होता है। मैया ने अपना हाथों से दूध को निकाली, अच्छे तरह से कंडे से उन्होंने गर्म किया, गर्म करके जमन डाल करके दही बैठाई। एकदम सवेरे सवेरे उठ करके, अभी कृष्ण खाट के ऊपर सो रहे थे, मैया उठ करके दधि मंथन कर रही थी। इधर हाथों से तो दधि मंथन कर रही थी, उससे मुंह से क्या बोल रही थी?
बोले गोविंद दामो धर्माधवेती गोविंद दामो धर्माधवेती गोविंद दामो धर्माधवेती गोविंद दामो इधर दधि मंथन कर रही थी और उधर मुंह से ठाकुर का नाम जप कर रही थी। मैया हर माताओं को शिक्षा देती हैं, घर का काम तो हाथ से करो। अब बताओ घर का काम हाथों से करते हो ना मुंह से करते हो? कैसे करते हो? हाथों से। इसलिए हाथों से काम नहीं, जो कुछ करो ठाकुर को सेवा मानकर। घर में झाड़ू लगाओ तो कहाँ झाड़ू लगा रही हो? ठाकुर जी के मंदिर में झाड़ू लगा रही हो। रसोई बनाते हो किसके लिए रसोई बना रहे हो? ठाकुर जी को भोग लगेगा। अगर बच्चों को थपथप लगा करके सुला रही हो, इधर थपथप लगा करके गोपियां सुलाती हैं और उधर मुंह से क्या बोलती हैं? बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। इसलिए माताओं को शिक्षा देती हैं हाथों में काम और मुंह से ठाकुर जी की। अरे जोर से बोलो, मुंह में ठाकुर जी की नाम। बस बड़ा पारी भगवान कलयुग में सबसे सरल उपाय बताए, ज्यादा कोई कष्ट करने का जरूरत नहीं, भगवान का नाम जप कर, इससे हमारी उद्धार हो जाएगी। ठीक है ना? इसलिए जरूर प्रभु का नाम जप करना चाहिए। देखो अगर जो व्यक्ति हाथों में काम और मुंह में ठाकुर का नाम कर तो उसका फल क्या? देखो अभी कन्हैया सो रहे हैं, अभी कृष्ण का नींद खुल गई। और देखना बच्चों का नींद खुलते ही ना पास में मैया को देखती है, मैया है कि नहीं, क्योंकि नींद खुलते ही बच्चे को भूख लगती है। इतने में कृष्ण आंख बंद करके हाथ कर रहे, मैया है कि नहीं? देखा मैया नहीं, बोले मैया कहाँ गई? देखा मैया तो बैठी करके दधि मंथन कर रही थी। बोले जानी जानी हो गीतानी तद्बाल चरितानि च दधि निर्मंथन काले गायन्ति तान गायत। कृष्ण की बचपन की सुंदर सुंदर लीलाओं को मैया गान कर रही थी। इतने में कृष्ण खाट से उतरे, उतर करके आकर के मैया को पीछे पकड़ लिए। बोले मैया मैया मेरे को दूध पिला दे। मैया बोली लाला तेरे को दूध भी पिला दूंगी, मक्खन भी खिला दूंगी, लेकिन थोड़ी सी रुक जा, अगर सूर्य उदय हो जाए गर्म हो जाएगी फिर मक्खन नहीं निकलेगा। कृष्ण बोले अभी मेरे को भूख लग रहा है, मैया कहती है ना? फिर मक्खन निकाल करके फिर मैं दूध पिलाऊंगी। इतने में कृष्ण सामने से आए और जो रई था ना रई को जोर से पकड़ लिए। बोले मैया की जब तक मंथन करना बंद नहीं कर दूं मैया दूध नहीं पिलाएगी। मैया ने देखा लाला तो बड़े दिमागदार है, फिर कन्हैया को गोद में बैठा करके फिर कन्हैया को दूध पिला रही थी। जब दूध पिला रही थी, दूध कौन पी रहे हैं? विश्व ब्रह्मांड का मालिक दूध पी रहा है। विश्व ब्रह्मांड जिसको खिलाती है, मैया अभी उसको दूध पिला रही थी। कृष्ण का मुंह कितने सुंदर है, मैया बारंबार चुंबन कर रही थी कृष्ण को और इधर दूध पिला रही थी। तो दूध पिला रही थी, उधर क्या हुई, चूल्हे के ऊपर में भी दूध गर्म करने के लिए बैठा रखी थी। अभी धीरे 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 वो जो दूध उफनना शुरू हो गया, जब धीरे धीरे उफनना शुरू हो गया, कभी ये दूध उफन करके क्या कह रहा है? दूध ये बता रहा था लगता है मैं ठाकुर को सेवा में लग ही नहीं पाऊंगा। बोले क्यों? बोले मैया की स्तन में इतने दूध है, खीर समुद्र समाया हुआ, और कृष्ण का पेट कितना, बहुत बड़ा कृष्ण का पेट है। बोले कृष्ण का पेट भी भरने वाला नहीं और मैया का दूध भी समाप्त होने वाला नहीं, लगता है मैं तो कृष्ण सेवा में लग ही नहीं पाऊंगा। अगर कृष्ण सेवा में लग नहीं पाऊंगा तो फिर ये जीवन को हमें अग्नि में ये जीवन को विसर्जन कर देनी चाहिए। तात्पर्य है अगर ये जीवन में प्रभु का भजन नहीं हो, ठाकुर जी की भक्ति नहीं हो,
अगर ठाकुर जी को सेवा में लग नहीं पाएंगे, वो दूध शिक्षा देता है, ये जीवन रहना और मरना बराबर है, ये जीवन रहना बराबर मरना बराबर है। लेकिन मैया तो बड़ी दयालु है, तो बोले देख दूध उफनना नहीं, तेरे को भी मैं कृष्ण सेवा में लगाऊंगी, रुक जा थोड़ी सी। बोले लाला कन्हैया थोड़ी गोद से उतर जा। बोले क्यों? बोले दूध उफन रहा है, इसे गोद से उतर जा। बोले अभी तक मेरा आधा पेट भी नहीं भरा। बोले तो गोद से उतर जा, मेरे को भर पेट दूध पिला करके जाया करो। अब देखना जैसे बंदर है ना, बंदर बच्चा जैसे मैया को इसे पकड़ लेता है, कृष्ण तो बंदर जैसे मैया को जोर से पकड़ ली। बोले मैया मेरे को भरपेट पिला करके रखिया करने के लिए जाओ। मैया सोच रही है इधर पूत भी उफन रहा है और इधर दूध भी उफन रहा है, ये दोनों ही उफन रहे हैं, अभी मुझे क्या करनी चाहिए। बोले मेरे स्तन में जो दूध है बच्चा के लिए है ही तो, लेकिन अगर ये दूध उफन करके गिर जाएगा ना आग में, बच्चा का अमंगल होता। और जो दूध उफन करके आग में गिरे, इसका मतलब जो मलाई फिर नहीं होगी, और मलाई नहीं होगी तो फिर मक्खन कहां से होगा? अगर मक्खन नहीं होगा तो फिर लाला को मैं फिर खिलाऊंगी क्या? लेकिन कृष्ण छोड़ना नहीं चाह रहे थे। मैया ने बोले गोद से उतरोगा नहीं, कैसे उतर? उसको पकड़ करके जोर जबरदस्ती बैठा दी। कृष्ण रोते रह गए। मैया जाकर के पानी की छीटा मार करके दूध जो उफन रहा था उसको बंद किए। अब देखना बच्चों को मन में जब क्रोध आए ना, सामने जो कुछ मिले सब फेंक फांक देता है। बोले कितना दूध तू बचाओगी? इतना बड़ा मटकी था। कृष्ण ने सोचा ये मटकी पलट दूं। कृष्ण पकड़ करके उसको हिलाना शुरू की, लेकिन इतने बड़े मटकी कृष्ण से पलटा ही ना, हिला ही नहीं। देखा वहां पर एक सील नोड़ा पड़ा हुआ था, पत्थर उठाया और मटकी को मारी। मारते ही मटकी तो फूट गई और जितने सब छाछ बन गया था ना, सब धीरे धीरे निकलना शुरू किया। कृष्ण खुश हो गए, बोले मैंने मटकी फोड़ दी, आज मैंने मटकी फोड़ दी। कृष्ण ने देखा मटकी तो फोड़ दी, अगर मैया आएगी ना, डंडा एक नीचे नहीं सब पीठ पर गिरेगा। कृष्ण वहां से भागे, जा करके दूसरे घर में गए और एक उखल के ऊपर में खड़े हो गए। उखल जानते हो? उखल क्या है? हाँ, धान कुटने वाला जो उखल है, उसको ऊपर में खड़े होकर के मक्खन को उतार लिया। जितने कौए बंदर को बुलाया, बोला इधर आ जाओ। बोले क्यों? बोले जो कौए ये काक भूषण के वंशधर है और जितने बंदर ये हनुमान के वंशधर है। बोले रामलीला में तुम लोगों को तो मैं कुछ खिला नहीं पाया, अपने आप जंगल से फल मूल खा करके मेरे लिए तुम लोगों ने युद्ध किए है। रामलीला में तो कुछ खिला नहीं पाया, कम से कम कृष्ण लीला में तुमको मखन तो खिला। आप किधर आए? काक भूषण जी कौन है? कहते जी राम कथा को हर समय राम कथा जो सुनाता है। बोले तुम मेरी कथा सुनाते हो ना, आप इधर आप मखन खिलाता हूं। उनको मखन खिला रहे थे। मैया ने थोड़ी देर बाद में जब आई, देखा मटकी फूटी हुई, पूरा घर घर में दही बिखर रहा है। मैया को तो बड़ा क्रोध आ गया। बोले अभी तक तुमने दूसरे घर में मक्खन चोरी करता था, अभी अपना घर में ही मटकी तुमने फोड़ दी। मेरी ये सांस का समय की ये मटकी कितने घी पी कर मजबूत बन गया था और उसने तुमने तोड़ दिया। बोले इसको कुछ दंड देनी चाहिए। बोले देखना चोर जब चोरी करता है ऐसे कुछ चिन्ह छोड़ करके जाता, पुलिस उसको पकड़ लेते हैं। कृष्ण तो चोरी की, लेकिन उनके चरण में लगा हुआ था दही। कृष्ण जब चलते 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 गए, चरण का सुंदर सुंदर छाप पड़ा हुआ था। मैया ने इधर उठा लिया एक डंडा और धीरे 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 पीछा कर रहा था, जैसे बिल्ली चलता ना, बिल्ली हाँ सूखे पत्ते के ऊपर चले तभी आवाज नहीं होगा। बोले दुष्ट गया कहा? फिर देखा क्या कर रहा है, फिर मक्खन खुद खाए कोई बात नहीं, कौवे बंदर को खिला रहा है। मैया का तो और क्रोध आ गया। बोले उसको कुछ दंड देना ही पड़ेगा। इतने में मैया पकड़ने वाली थी। कृष्ण पहले से ही मेन रोड का दरवाजा को खोल कर रखे थे। अगर इधर से मैया आएगी ना, फिर छलांग लगा करके मैं फिर भाग जाऊंगा है। इतने में जब मैया आई, कृष्ण छलांग लगाए वहां से भागे। बोले मेन रोड में क्यों भागे? देखो पहले माता है,
कोई भी घर से बाहर नहीं निकलते थे। माताओं का मुहूर्त तो चंद्र सूर्य भी देख नहीं पाते थे। ऐसे माताएं घर की काम सारे माताएं करती थी और जो बाहर का काम पुरुष लोग करते थे। ये जो हमारी जो संस्कृति है ना, ये संस्कृति अच्छी संस्कृति थी। इसी वजह से माताएं सती रहती थी, इतने डाइवोर्स नहीं होता था, इतने गंदे संपर्क नहीं होता था, सबके सब सती बन करके रहती थी। लेकिन अभी बच्चों को ज्यादा लिखाई पढ़ाई सिखाना, लड़कियां बाहर जाना, ये सब हमारी संस्कृति नहीं है। तभी इतने डाइवोर्स, फाइवर्स, लड़ाई झगड़ा और अशांति, उल्टा पुलटा जितना होता है। इसलिए मैया सीता ने लक्ष्मण रेखा को पार किया ना, रावण ने क्या किया, पूरा उठा करके सीता को ले गया। इसलिए शिक्षा देती है माताओं को, कभी अपना मर्यादा रेखा से बाहर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो रावण हमें उठा कर ले जाएगा। कौन उठा कर ले जाएगा? रावण। बोले रावण तो त्रेता युग में था। बोले त्रेता युग में तो एक रावण, अभी घर घर में रावण हो गए। पहले गांव में पूरा एक गुंडा होता था, अभी घर घर में गुंडे हो गए सब। इसलिए अभी वो कृष्ण सोच रहे थे मैया तो बाहर जाएगी नहीं, क्योंकि घर की बहू ये तो कोई बाहर निकलती नहीं। लेकिन उसी दिन था दीपावली, उसी दिन सबके सब पुरुषों लोग गोवर्धन में चले गए थे दीपावली मनाने के लिए। कोई पुरुष थे ही नहीं गांव में। मैया बोली कहाँ जाओगे, सोच रहे हो मैं बाहर नहीं निकलूंगी, आज ब्रज में कोई पुरुष है ही नहीं। इतने में मैया तो कन्या को पकड़ने के लिए भगी। बोले भैया किसको पकड़ने के लिए जा रही है? बोले यद्यपि समाधि सुविधिरपि पश्यति न तव नखाग्र मरीचि। बोले जिनकी चरण की छटाओं को ब्रह्मा जैसे व्यक्ति भी कठोर तपस्या करने पर, बोले वायो रथापि मनस मुनिपुंगवानाम, बड़े बड़े ऋषि लोग भी जिनकी चरण की छटाओं को भी स्पर्श नहीं कर पाते, दर्शन नहीं कर पाते, आज मैया जसोदा वो भगवान को पकड़ने के लिए पीछे भाग रही है। लेकिन जब थोड़ी दूर गई, मैया तो थोड़ी थी मोटी, थोड़ी दूर भागने लगी ना, मैया तो हाँफने लगी। कृष्ण ने सोचा भैया मैया को कब तक भगाऊंगा, मैया तो हाँफने लगी। इतने में मैया जो चोटी में सुंदर फूलों की श्रृंगार की थी, एक एक फूल गिरते गिरते जा रहा था, मानो वो पुष्प कह रहा था मैया तू मत समझो, तू अकेली, तेरे साथ में हम भी है, चलो हम सब के सब आज मिलकर कन्या को पकड़ करके छोड़ेंगे। इतने में मैया बोले लाला खड़ा होता कि नहीं, देख मेरे हाथ में छड़ी देख रहे हो, अभी फेंक करके मारूं। इतने में कृष्ण खड़े हो गए। बोले मैया मैं तो खड़े ही जाऊंगो, लेकिन पहले हाथ का जो छड़ी है इसको पहले फेंक दे। मैया बोले तेरे को थोड़ी मारूंगी, तेरे को पूजूंगी। कभी कभी बच्चों को पूजा करती हो कि नहीं, कौन कौन बच्चों को पूजा करती हो? इसलिए बोले तेरे को मारूंगी नहीं, तेरे को पूजूंगी अच्छी तरह से, आज तुमने मटकी फोड़ी, आज तेरे को मैं मजा चखाऊंगी। इतने में मैया जाकर कन्या को पकड़ लेती है, हैं? पकड़ जब इधर मारने के लिए जाए ना, कृष्ण पीछे घूम जाते, इधर मारने के लिए जाए उधर घूम जाते। अभी मैया ने बोले कन्या बताओ ये मटकी फोड़ी किसने? बोले मैया साची साची बताओ ना, झूठ बताओ। बोले झूठ में क्या, साची साची बता दे। बोले मैया तुमने प्यार में इतने मोटी मोटी जो कड़ूले पहन रखी थी, जब तेजी से भाग रही थी वो कड़ूले लग करके तेरी मटकी फूट गई। बोले देखो कितना दुष्ट, खुद मटकी फोड़ी, कहते मैंने मटकी फोड़ दी। बोले बताओ ये बंदर को किसने दूध, बंदर कौओं को किसने मक्खन खिलाए? बोले जिसने बनाया उसने खिलाया, जिसने बनाया उसने खिलाया। बोले तू एक बहुत बड़ा चोर हो गए हो। कृष्ण बचपन में सुना था उनको एक मामा जी का नाम था चोरगो। कृष्ण बोले मैं चोर हूँ? नंद बाबा राजा है, राजा का मैं बेटा हूँ, तेरे घर में कोई चोर गोप होगा, मेरे पिताजी के घर में चोर कोई नहीं। बोले ये कहाँ से सुनकर रख दिया? बोले तू तो बंदरों का बंधु हो। बोले अगर मैं बंदर का बंधु, मेरे को छोड़ दे, फिर जंगल में रहूंगा, तेरे घर में नहीं रहूंगा। अब देखना बच्चों को जो क्रोध आए ना, जो कुछ इच्छा हो सो कर लेते हैं। मैया ने देखा कितने कष्ट से एक घर में लाला भयो है, अगर सचमुच से जंगल चला गया तो फिर क्या होगा? फिर बोले थोड़ी समय के लिए लाला को मैं बांध कर रख देती हूँ, क्योंकि बच्चों का स्वभाव है थोड़ी समय के लिए तो क्रोध हो जाता है, थोड़ी देर बाद में फिर भूल जाते हैं, ये बच्चों का गुण, थोड़ी देर बाद में फिर बच्चे भूल जाते हैं। इतने में मैया ने अपना
चोटी से एक रेशम की रस्सी निकाली, बोले तू भी खाल और ये उद्धू खाल, दोनों मिल करके मक्खन चोरी की, आज मैं तुम दोनों को मैं बांध कर रखूंगी। मैया जो बांधने जा रही तो दो अंगुल कम हो गई, बोले और एक रस्सी लाओ, उसमें भी गांठ लगाई और भी दो अंगुल कम हो गई। गांव की सारी रस्सी खत्म हो गई लेकिन दो अंगुल किसी तरह से पूरी नहीं हुई। मैया का शरीर से पसीना पसीना बह रहा था, सवेरे से शाम हो गई, गोपियां खिली उड़ा रही थी, बोले मैया विधाता तेरे लाला की ललाट में बंधन नहीं लिखा, तू बांधोग कैसे, लाला को तू बांधोग कैसे, बोले मैं बांध करके रहूंगी, ये मेरे कोख से जन्म लिया, मैं नहीं बांध सकती हूँ। जब किसी तरह से बांध नहीं पाई, ठाकुर जी के चरण में शरणागत हो गई, ठाकुर जी तू मेरे लाज को बचा दे। इतने में मैया की परिश्रम देख करके कृष्ण के हृदय में दया की भावना आई, भगवान कृपा करके फिर बंधन को स्वीकार किया। मतलब मैया ने नहीं बांधी, भगवान ने स्वयं बंधन को स्वीकार करते हैं। बोले श्री भक्त वत्साल भगवान की जय, जय श्री राधे। हाँ देखो ध्यान देकर सुनो, उसमें चार अंगुल क्यों कम नहीं पड़ता था, पांच अंगुल क्यों नहीं, जब जब मैया बांधने के लिए कोशिश करे उसमें दो अंगुल ही कम पड़ती थी, कितने अंगुल पड़ते थे तो कम ही, दो। अरे जोर से बोला दो। कुछ कुछ माताएं तो बैठ कर गप्पे मार रही यहाँ करके, देखो इधर ध्यान देख रहे सुना। हमारे बड़े गुरु जी कहते थे जिनको कथा सुनना है ना वो कभी भी अपना परिचित व्यक्ति को पास में मत बैठा करे, तुम जिसको जानते हो ना उससे थोड़ा हट करके बैठ जाओ, जो जिसको जानते हो थोड़ी सी हट करके बैठ जाओ, क्योंकि नहीं तो आपस आपस में बात करोगे, घर छोड़ करके आए कथा सुनने के लिए दो घंटा में भी यहाँ भी बैठ करके बेटा बेटी बहुओं की बात करना शुरू करोगे, ठीक है ना। इसलिए सबके सब ध्यान सुनो, इसमें दो अंगुल क्यों कम पड़ती थी इसका रहस्य को समझो। पहले जो पहला अंगुल है, जब कोई साधक भगवान को पाने के लिए चेष्टा करता है, मंत्र साधन की वह शरीर पतन, भले ही ये शरीर हमारी पतन हो जाए लेकिन हम तो भगवान को प्राप्त करके ही रहेंगे। जब जी जान लगा दी, दिन रात उठते बैठते सोते क्या करते हैं, भगवान के नाम जप करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, ठाकुर जी की भक्ति करते हैं, एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। और जोर से बोलो, अभी आप बोलो मैं सुनूंगा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार ये छत जैसे उड़ जाए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए ये पहला अंगुल है, कहते भैया दूसरा अंगुल क्या है, कहते भगवान की दया, ठाकुर जी की कृपा। आप देखना जैसे माता जैसे घर की काम कर रहे हो, घर में कोई एक छोटा बच्चा है, अभी उसका नींद खुल गया, देखा अभी उसको भूख लग रहा है, बच्चा क्या करता है, रोता है, कभी रोता है, बोले मैया मेरे को गोद में उठा करके दूध पिलाए, पहले तो थोड़ी थोड़ी रोएगा, मैया सोचे कि कोई बात नहीं बच्चा जग गया उसको मैं क्या करूंगी, अभी घर की अभी रसोई बन जाएगी फिर लाला को दूध पिला दूंगी। लेकिन जब बच्चा देखता है मैया थोड़ी सा रो लिया लेकिन तब भी मैया मेरे को गोद में नहीं ले रहा है, थोड़ी सी जोर से लोता है, मैया देखती है अभी अभी रसोई बन जाएगी बच्चे को दूध पिला दूंगी, लेकिन जब बच्चा देखता है मैया तो मेरे को उठाकर ले नहीं जा रही है, दूध नहीं पिला रही है, फिर बच्चा क्या करता है जमीन पर लोट पोट खाने लग जाता है, एकदम इतने रोने लग जाती है, मैया जहाँ काम कर रही है ना वहीं पर काम को रोक करके लाला को गोद में ले लेती है। देखो जब तक हम रोएंगे नहीं ना ठाकुर जी की तब तक कृपा नहीं होगी, इसलिए ठाकुर जी को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, ऐसे रो जिसमें ठाकुर का हृदय द्रवीभूत हो जाए और ठाकुर जी हमें अपना
गोद में उठा ले ब्रज वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी कन्हैया को बांध दिए, मैया बोली सवेरे से लेकर शाम तक तेरे पीछे मेरे सारे समय बर्बाद हो गया, सारे घर का काम काज अभी बिखरा हुआ है पड़ा हुआ। मैया जाकर घर की काम कर रही थी, कन्हैया वहीं पर बंधे हुए थे। इतने में कृष्ण का सखा लोग आए, बोले कन्हैया आज मैया तेरे को भी पकड़ लिए। बोले हाँ मेरे को भी पकड़ लिए। बोले खोल दो, हम जा करके अभी खेलेंगे। बच्चों ने कोशिश किया खोलने के लिए लेकिन खोल नहीं पाए। बोले क्यों? वो प्रेम की बंधन है, भगवान को थोड़ी कोई बांध सकते हैं। जिसका बाहर नहीं जिसका भीतर नहीं उसको कौन बांधेगा? भगवान तो केवल प्रेम में ही वशीभूत होते हैं, वो खोल नहीं सके। अभी इतने में सामने देखा दो वृक्ष है, ये जमलार्जुन वृक्ष था, ये पहले पूर्व जन्म में ये स्वर्ग का जो कुबेर के दो बेटे थे। एक दिन शंकर जी का एक बगीचा थी, ये लोग उसको रखवाली कर रहे थे। एक दिन दारू पी करके और स्वर्ग के अवसरियों को लेकर के वो भी और नंगे दोनों ही नंगे होकर के जल में जल विहार कर रहे थे। इतने में नारद जी किसी कारण से उधर से आते हुए देख करके जो स्वर्ग के अवसरियां स्त्रियां झट ऊपर उठ गई, शरीर में कपड़े को लपेट करके पेड़ को आड़ में छुप गई। लेकिन ये जो दोनों थे ना कुबेर का दो बेटे, कुबेर कौन है? स्वर्ग का जितने धन दौलत की जितने सब मालिक है जितने हैं। इसलिए अभी संतों को देख करके बोले बाबा का कोई हाँ बुद्धि शुद्धि कुछ हो ही नहीं, हमारे रंग में भंग डालने के लिए तू इधर ही आ गया और तेरे को कोई रास्ता मिले ही नहीं। देखो ये पैसा ऐसे के चीज है, जिसको पास में ज्यादा पैसा होना पकेट में तो पैसा होता है लेकिन गर्मी कहाँ पर, सर में गर्मी रहता है। पकेट में पैसा लेकिन गर्मी कहाँ रहता है? दिमाग में गर्मी रहता है। इसलिए यहाँ पर श्री कुंती कहती है बोले प्रभु जिसको पास में चार चीज है ना वो तेरा कभी भजन नहीं करेगा। बोले कौन क्या किया? बोले पहला नंबर धन। अब देखना कोई ज्यादा धनी लोग कथा में नहीं बैठते, वो शराब का दुकान में देखना, जुआ जहाँ पर खेल रहे हैं वहां पर देखना, किसी क्लब में देखना वहीं पर बैठे हुए, जितने सारे गंदे जगह पर बैठते हुए उनको देखोगे लेकिन कथा में उनको देखोगे नहीं, कथा में आकर बैठ कर कथा सुनते हैं। ये माता कुंती स्वयं कहती है, हैं? और जिसको उच्च कुल में जन्म हो गया बड़ा अहंकारी, अरे हम ऐसे ऐसे हैं, और थोड़ी सी इसका चमड़ा थोड़ा सुंदर हो जाए हीरो हीरोइन हो जाए, और चौथा नंबर है थोड़ी सी लिखाई पढ़ाई ज्यादा हो जाए। कुंती कहती है प्रभु ये चार चीज की बात छोड़ दो, अगर किसको पास में एक चीज आ जाए ना एक गर्मी आ जाए तेरे भक्ति नहीं करेंगे, बड़ा घमंडी होते हैं। अभी स्वर्ग के कुबेरे के संतान है पैसा है, स्वर्ग देवता संत आ रहे हैं, कहां संतों का कृपा बड़े दर्शन से होता है। इसलिए बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। जब तक भगवान की कृपा नहीं हो जीवन में संत हमें नहीं मिलते हैं, बड़े भाग्य से संत दर्शन मिलता है। संत कहाँ कृपा करके आ रहे हैं और उनको आंख फाड़ फाड़ करके देख रहे थे, बोले ये कहाँ से बाबा आ गया रंगे में भंग डालने के लिए, रास्ता तेरे को और मिला ही नहीं। नारद जी ने देखा हे भगवान कहाँ स्वर्ग के कुबेर का संतान है, इतने अच्छे जन्म ठाकुर दिए और कर रहे हैं देखो कितने गंदे काम कर रहे हैं, शराब पी करके नंगे होकर के, और संत आ गए तो आग फाड़ फाड़ कर क्रोधित होकर देख रहे हैं। नारद जी की इनके ऊपर में कृपा हुई है, बोले नंगे है ना जाओ ये पेड़ जैसे नंगे खड़े हैं ऐसे पेड़ जन्म प्राप्त कर, पेड़ बन करके रहो। जब अभिशाप दिए इनके प्यार से ही धीरे 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 पेड़ होने लग गया। ये जो पेड़ जन्म है ना बड़ा कठिन जन्म है, बड़ा कठिन जन्म है, धूप में पानी नहीं मांग सकते, टहनिया कोई काट दे कुछ बोल नहीं सकते, सर्दी में जैसे तैसे खड़े हुए हैं कुछ बोल नहीं सकते हैं, कोई टहनिया काट ले कोई पेड़ काट ले कोई छिलका उतार ले कुछ बोल पाते हैं पेड़, बड़ा कठिन जीवन वृक्षों का। जब देखा प्यार से धीरे 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 ये पेड़ होने लग गए, सारे नशा उतर करके आ गया। फिर नारद जी के चरण में जाकर गिर पड़े, बोले बाबा हमारी अपराध हो गई माफ कर दो। क्यों? अभी देखना पेड़ जन्म होने लग गया, पेड़ जन्म में रहना पड़ेगा,
संत बड़े दयालु होते हैं, बोले ठीक है माफी तो मांगे जाओ, तुम दोनों गोकुल में वृक्ष बन करके रहो। ये सत्यजु की कथा है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण आने वाले, ठाकुर जी की चरण स्पर्श से तुमको मुक्ति मिलेगी। अभी नारद जी ने बताए, अभी संतों का वाणी को रक्षा करना पड़ेगा, इसलिए दोनों वृक्ष देख करके अभी इनके हृदय में दया की भावना आई। अभी ठाकुर जी उनको उधार करने के लिए बोले सखाओं ये उखल को धक्का मारा पीछे, सखा लोग धक्का मारते रहे। कृष्ण घुटन पर धीरे धीरे चलते चलते दोनों वृक्षों को बीच में जब चले गए, उखल अभी अटक गया। अटक गया तो थोड़ी सी उन्होंने ताकत कृष्ण लगाए, दोनों वृक्ष दोनों तरफ में धड़ाम करके गिरे। इतने जोर से आवाज हुई जैसे कहीं वज्रपात हुई। अभी जितने ब्रजवासी इधर उधर भागने लग गए, क्या हुआ क्या हुआ, लेकिन वो दोनों वृक्ष से दो जो नल कुबेर और मुनि ग्रीव थे, दोनों वृक्ष से दोनों निकले, उतर करके भगवान को परिक्रमा की, ठाकुर जी को बड़े सुंदर स्तुति की। बोले ठाकुर जी, बोले वाणी गुणानु कथने, बोले ठाकुर जी ये कृपा करो, ठाकुर ने हमें जो जीवा दिया, किस लिए जीवा दिया है, भगवान की कीर्तन करने के लिए, ठाकुर जी के नाम करने के लिए। अगर ये जीवा में अगर ठाकुर का कीर्तन नहीं कर रहे हो, ठाकुर जी का नाम नहीं करते हो, लेकिन ये सारे दुनिया की बात बोलती हो, सारा दुनिया की बात बोलती हो, इसलिए भागवत में बताए जो जीवा में ठाकुर का नाम नहीं निकलती है और दिन भर मेरे को जैसे टटर 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 करते हो। आप देखना बरसात का समय पर, बरसात का समय में मेढक को देखना वो टटर टटर करता है, हैं? मतलब मेढक, पुरुष मेढक अपना बीवी को बुलाता है, लेकिन ये बीवी क्या आएगी, मेढक का काल होता है सर्प, वो सर्प देखता है अभी हमें अपना आहार ढूंढने का जरूरत नहीं, अपना आहार हमें स्वयं ढूंढ रहा है। धीरे 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 ये सर्प आता है धीरे धीरे और मेढक को पकड़ लेता है। यहाँ पर सुतो गोस्वामी कहते हैं जो व्यक्ति ये जीवा पा करके दिन भर मेढक जैसे टटर टटर करते, टटर मतलब क्या, ये विषयों का बात करते हैं, ठाकुर का नाम कीर्तन नहीं करते, फिर ये काल रूपी सर्प क्या करेगा, एक दिन ये काल रूपी सर्प आ करेगा हमें निगल जाएगा। इसलिए ये जीवा की तभी सार्थकता है जब ये जीवा में ठाकुर का नाम करे, ठीक है ना। अब बताओ कौन कौन ठाकुर का नाम करोगे, हाथ उठाओ तो कौन कौन ठाकुर का नाम करोगे। हाँ, इधर उधर बैठी करके बेटी बहू दुनियादारी की बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। कहते भगवान हमें ये दो हाथ क्यों दिया, बोले ठाकुर जी की चरण की सेवा करने के लिए दिए। अगर सारा दुनिया की काम करते हो लेकिन ठाकुर जी की सेवा नहीं करते हो, कहते ये दोनों हाथ क्या है, बोले सबो करो बाकुरुत सपर्ज्या हरे लसत कांचन कंकणो। कहते यहां से लेकर के यहां तक सोने की कंकण पहन करके रखे, लेकिन ये ठाकुर को सेवा नहीं करते हैं, दुनियादारी की सेवा कर रहे हैं लेकिन ठाकुर जी को सेवा नहीं करते हैं। कहते ये दोनों हाथ क्या है, बोले सबो मतलब ये दोनों हाथ मरा हुआ हाथ है। इन्हीं हाथों से अगर पूर्वजों को कुछ आप अर्पण पिंड अर्पण करोगे ना, ये पूर्वज तुम्हारी हाथों का कोई भी पिंड ग्रहण करने वाले नहीं, क्योंकि इन्हीं हाथों से आप ठाकुर जी की सेवा नहीं करते हो। इधर देखो, उधर क्या देखा, सब मेरे तरफ में देखो। इसलिए कहते हैं भगवान ये प्यार क्यों दिया है, बोले द्रुम जन्म भाजो, द्रुम मतलब होता है वृक्ष। कहते अगर ये प्यार से सारा दुनिया तुम घूम रहे हो, सारा दुनिया तुम घूम रहे हो लेकिन तुम भगवान की धाम में नहीं जाते, तुलसी परिक्रमा नहीं करते, हैं गिरिराज की परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा नहीं करते। भागवत में बताया द्रुम जन्म भाजो, द्रुम मतलब होता है वृक्ष। कहते वो प्यार नहीं, कहते वो वृक्ष है, पेड़ जैसे। ठाकुर जी अगले जीवन में
फिर ये मानव शरीर नहीं देंगे, फिर तुम्हें ये पेड़ जन्म दे देंगे। भैया पेड़ बन करके, पेड़ बन करके बने रहो। कहते भगवान ये दोनों आंखों की दी क्यों दिए हैं? बोले भगवान को दर्शन करने के लिए। अगर हम सारा दुनिया को दर्शन करते हैं, टीवी खोल कर बैठ जाओ तो तीन तीन घंटा उसमें बिता देते हैं, लेकिन ठाकुर जी को दर्शन नहीं करते हैं। कहते ये आंख नहीं, ये पांख है। कहते मोर पंख में देखना, बड़ी सुंदर सुंदर मोर पंख में भी बड़ी सुंदर सुंदर आंखें बनी हुई है। कहते ये आंख नहीं, ये पांख है। इसलिए कहते जितने सारे इंद्रियां हैं, ये सारे इंद्रियों का तभी सार्थकता जब हम इन इंद्रियों से भगवान की सेवा करेंगे। इसलिए नल कुबेर मुनि ग्रीव दोनों, ये दोनों खड़े होकर के उन्होंने क्या की, ठाकुर जी को प्रणाम किया। बल ठाकुर जी ये कृपा करो, जैसे तुम्हारी संतों को देखते ही हमारी चरण अपने आप उनके चरण में झुक जाए। आज हमें ये वृक्ष जन्म क्यों लेना पड़ा? इसलिए लेना पड़ा हमें, हमने संतों को देख करके प्रणाम नहीं किया। अगर संतों के चरण में सर झुका देते तो हमें ये वृक्ष जन्म मिलता ही नहीं, ये वृक्ष जन्म हमें मिलता ही नहीं, ये वृक्ष जन्म। इसलिए ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए दक्षिण दिशा में चले गए। इतने में सारे ब्रजवासी इकट्ठे हो गए और नंद बाबा ने आकर के देखा लाला तो बीच में फंसा पड़ा हुआ। अगर दोनों पेड़ थोड़ी सी इधर उधर से होता है ना, लाला का तो राम नाम सत्य हो जाता, उनकी राम नाम सत्य हो जाता। इसलिए नंद बाबा ने जल्दी जल्दी आए, वो जो रस्सी गांठ बंधा हुआ था ना, जल्दी जल्दी उन्होंने खोल दिए और पकड़ से एक लड्डू निकाल कर कन्या को दे दिए। देखना बच्चों का स्वभाव देखना, मैया ने बच्चे को खूब डांट लगाई मारी। अगर पिताजी आकर के थोड़ा लाल लड़ा दे ना, थोड़ी सी लाला को थोड़ा सी प्यार दे, देखना बच्चा रोना शुरू कर देता है। कन्या तो अभी तक चुप थे, जब देखा पिताजी खोल करके लड्डू खिला दी, इतने में कन्या तो शिशक शिशक कर रोना शुरू कर दिया। नंद बाबा ने बोला लाला ये बताओ बांधा किसने? बोले मैया ने। बोले खोला किसने? बोले बाबा ने। बोले खूब मैया मैया करते हो, बताओ अभी किसको पास में रहोगे? बोले मैया बाबा को पास में रहूंगा, मैया को पास में नहीं जाऊंगा, मैया मेरे को मारती रहती है। हैं? इतने में मैया जसोमती आ गई। नंद बाबा तो बड़ी शासन की है, बोले एक दो मटकी तो फोड़ा होगा, और तो कोई बात नहीं, और तुमने उखल में बांध दी। ठाकुर का कृपा कैसे हुई, दोनों वृक्ष दोनों तरफ से गिरे। अगर लाला का तरफ में थोड़ी सी अगर गिर जाते ना, लाला का तो राम नाम सत्य हो जाता। नारायण का कृपा से कैसे लाला बच गया, कैसे लगता है तेरे को मटकी में दूध दही में बड़ी आसक्ति, तो इसको लेकर रहा कर, मैं दोनों लाला को लेकर तीर्थ जा रहा हूँ। बड़ी डांट लगाई मैया को, मैया तो दुखी होकर रोने लग गई। बोले इन्हीं हाथों में कुष्ठ व्याधि कैसे नहीं हो गई, मैंने इन्हीं हाथों से लाला को मैंने बांध कैसे दिया। मैया तो बड़ी दुखी हो गई, रो रही थी घर में बैठी करके। नंद बाबा दोनों लाला को लेकर गए ब्रह्मांड घाट में, उनको स्नान कराया और धारस्न दूध में मिश्री मिला करके उनको पिला दी। अभी घर में लड़ाई हो गई, नंद बाबा बड़े क्रोध हो गए। अभी शाम हुआ तो नंद बाबा कृष्ण बलराम को लेकर के आए। घर की एक कोने में नंद बाबा कृष्ण बलराम गोद में बैठे हुए और एक कोने में मैया जसोदा बैठी करके दुखी होकर रो रही। लड़ाई हो गई बीच में, अगर लड़ाई हो गई तो अभी लड़ाई को कौन शांत करेगा? तीसरा व्यक्ति। बोले तीसरा व्यक्ति यहाँ पर कौन? बोले रोहिणी। बोले ये रोहिणी कौन है? बोले ताऊ भैया की मैया। उन्होंने देखा अगर कृष्ण को नंद बाबा का गोद से उठा करके और श्री जसोदा की गोद में छोड़ देना, लड़ाई शांत हो जाएगी। दाऊ भैया को बोले दाऊ भैया एक काम कर, जा कृष्ण को बाबा की गोद से उठा करके मैया की गोद में छोड़ दे। इतने में दाऊ भैया गए, बोले कन्हैया चल मैया के पास में चल। जब उन्होंने कृष्ण का हाथ पकड़ लेना, कृष्ण इतना क्रोध में थे, हाथ को जोर जोर से झटका मारे, मारे तो दाऊ भैया वहीं पर लुढ़क गए। रोहिणी बोली लाला आज तो बड़ा क्रोध में हो। बोले बता बाबा मैया के पास में नहीं जाओगे? बोले नहीं, मैया तो मेरे को मारती है। बोले किसको पास में रहोगे? बोले बाबा को पास में। बोले दूध कहाँ से मिलेगा? दूध तो बाबा को पास में मिलेगा नहीं, मैया को पास में दूध मिलेगा
हैं, दूध कहाँ से पियोगे? बोले पिताजी धारस न दूध में मिश्री मिला करके पिला देंगे। बोले सोगे किसकी गोद में? बोले बाबा की गोद में सो जाऊंगो। बोले क्योंकि लाला को जब तक मैया की गोद में नहीं सोए ना, लाला को नींद नहीं आती थी। देखना कुछ बच्चों का स्वभाव होता है, मैया का गोद में ही वो सोएंगे, नहीं तो उनको नींद नहीं आएगी। बोले सोगे किसको पास में? बोले बाबा की गोद में। बोले खेलोगे किसको साथ? बोले दाऊ भैया से, दाऊ भैया को साथ में। बोले मैया के पास में नहीं जाओगे? बोले नहीं, मैया मेरे को मारती है। बोले अगर मैया ऐसे हो गई तो नहीं जाओगे? तो मैया अगर मर गई फिर क्या होगी? इतना सुनते ही लाला को तो रहा नहीं गया। फिर तो कृष्ण रो रो करके पिताजी गोद से उठे और सीधा मैया की गोद में लेट गए। और वहां पर जितने भक्त थे ना, ये लीला देख करके सबके सब रो रहे थे। ऐसे ही कृष्णा पूरा ब्रज को प्रेम में डूबो करके लीला को द्वारा रखे थे। बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की जय, बोले श्री नंद के लाला की जय। एक गोपी पर जादू कर गया दावे के साथ। चल बलिया दावेदार जादू कर गयो रे, चल बलिया दावेदार जादू कर गयो रे, चल बलिया दावेदार जादू कर गयो रे, चल बलिया दावेदार Thank you.
दिना मोर फेर नहीं जाने बंधी वन पे एक दिना मोर फेर नहीं जाने बंधी वन पे एक दिना मोर फेर नहीं जाने बंधी वन पे एक दिना मोर फेर नहीं जाने बंधी वन पे Yeah.
पीछे जाओ पीछे। Thank you.
जब जमनाल जुन वृक्ष को उन्होंने उद्धार की, नंद बाबा ने देखा लगता है ये गोकुल हमारी रह लगा लायक नहीं रह गई। पहले तो अघासुर बकासुर तृणावर्त पीछे बढ़ गए थे, अभी ये पेड़ भी अपने आप टूट करके गिरने लग गए। मतलब ये जो गोकुल हमारी पूरा प्रतिकूल हो गया, चलो हम ये गोकुल छोड़ करके और कहीं चले जाते हैं। सबसे जो एक वृद्ध गोप था जिसका नाम था उपानंद, बोले देखो ये पास में एक सुंदर स्थान है जिसका नाम से वृंदावन है। बोले श्री वृंदावन धाम की, जहाँ पर गिरिराज गोवर्धन, जहाँ पर सुंदर जमुना नदी बह रही है, बड़ा सुंदर मनोरम स्थान है। गैया हमको खाने के लिए बड़े सुंदर सुंदर बगीचा भी है, फल फूल बच्चों को खेलने के लिए भी बड़ा सुंदर स्थान, गैया की चरने के लिए हरी हरी घास, बड़ा सुंदर वृंदावन था। बोले चलो कल क्यों आज ही चलते हैं, ढिंडरा पिटवा दो ब्रज में, हम सबके सब आज गोकुल छोड़ करके वृंदावन चलते हैं। जितने सब नवजुवा जवान थे एकदम धनुष तीर लेकर के सधज गए, और जितने बड़े बूढ़े गोप गोपियां थी उनको बैलगाड़ी में बैठा दी। एक बैलगाड़ी में मैया जसोदा रोहिणी और कृष्ण बलराम, ये चारों बैठ करके चल रहे हैं। देखना बच्चों का एक स्वभाव है, जो कोई चीज देखना पूछते हैं, बोले मैया मैया ये कौन सा पेड़ है जिसमें बड़े बड़े ताड़ी, बोले लाला इसका नाम बरगद पेड़ है। और थोड़ी दूर गए, बोले मैया ये कौन सा पेड़ जिसके पास सारे पत्ते हिल रहे हैं, बोले लाला इसका नाम पीपल पेड़ है। बोले मैया मैया देख कितने सुंदर चिड़िया है, शरीर में कितने सुंदर चित्रकारी, बोले मैया ये चिड़िया का नाम क्या है, बोले इसका नाम है मोर। बोले मैया एक का पूछ और एक का पूछ नहीं, ये क्या है, बोले जिसका पूछ है ना ये पुरुष है, जिसकी पूछ नहीं ये स्त्री। बोले मैया एक दूसरों को क्या लगे, बोले जो बिना पूछ वाली ये पूछ वाले किसकी बीबी इसकी बहू लगती है। और थोड़ी दूर गए, बोले मैया मैया देख कितने सुंदर जानवर हैं, कितने सुंदर शरीर में चित्रकारी है, बोले मैया ये जानवर का क्या नाम है, बोले इसका नाम सामने चुपचाप बैठो, बोले ये जानवर का क्या नाम है, बोले इसका नाम हिरण है। बोले मैया एक का तो सींग और एक का सींग नहीं, ये क्या है, बोले जो सींग है ना ये पुरुष है, और जो सींग नहीं ये स्त्री। बोले मैया एक दूसरों को क्या लगे, बोले जो बिना सींग वाली ये सींग वाले की बहू लगती है। बोले मैया सबकी बहू मेरी बहू कहाँ है, इसलिए मेरे ताए भी एक बहू ला दे। बोले लाला चिंता मत करो वृंदावन में चल, तेरे लिए भी एक बहू ला दूंगी। बोले नहीं अभी तो मुझे अभी बहू चाहिए, बहू के बगैर मैं नहीं जाऊंगा, मेरे लिए बहू ले आ, सभी के लिए जाओ बहू, मेरे लिए क्यों बहू नहीं। इतने कृष्ण मचल गए, हरि बोल, इतने कृष्ण मचल गए।
मेरी राधे जीवन नीलमणि गोपाल हरी गौए चराने वाले हे हरी गौए राधा 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 Jai Radhe 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 Jai Shama 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 Jai Radhe 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 Jai Shama 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 Radha Rani ki jai ma
इनकी दया श्याम हूँ मानत इनकी दया श्याम हूँ मानत इनकी दया श्याम हूँ मानत हर सामे रस धारे सटे जा राधे राधे यहाँ पर सामे रस धारे सटे जा राधे राधे श्याम अलवेली सरकारे सटे जा राधे राधे श्यामा अलवेली सरकार सटे जा राधे राधे सब आत्मन के है हरि आत्मा 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 श्री राधे विधि की हूँ आत्मा श्री राधे विधि की हूँ आत्मा श्री राधे विधि की हूँ आत्मा श्री राधे की हूँ आत्मा प्रिया रस के मेरे धारे सटे जा राधे राधे जाने प्रिया रस के मेरे धारे सटे जा राधे राधे इसको ठीक करो लाला इसको भले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम तेज करो लाला भले जय जय श्री राम जय जय श्री रामेश भले कात्यायनी महामाये महायोगी नदीश्वरी अर्थात तेज करो नंद गो बसुतम देवी पति में कुरुते नमः बोले ब्रज की एकदम छोटी छोटी गोपियां बोले कितने उम्र की बोले जिनका उम्र 2.5 साल की 3 साल के 4 और 5 साल इससे बड़ी नहीं 5 साल की लड़कियां कितने छोटी छोटी होती है बता 5 साल की छोटी छोटी लड़कियां कितने छोटी छोटी इतने छोटी छोटी गोपियां एकदम सवेरे सवेरे उठ करके माघ की महीना यमुना में स्नान करती थी बालुका में सुंदर कात्यायन की मूर्ति बना करके माँ कात्यायन की पूजा करती थी बोले कात्यायनी महामाये महायोगी नदीश्वरी नंद गो पतुतम देवी पति में कुरुते देखो ये मंत्र को याद कर लेना ये मंत्र दो काम करती है अगर ये मंत्र से कोई कात्यायनी देवी की पूजा करे ना बोले भगवान कृष्ण उनको पति रूप में ठाकुर जी मिलते हैं लेकिन इसी जगत में जिन लड़कियों की शादी नहीं होती है अगर इसी मंत्र को जप करे तो बड़े जल्दी जल्दी उनको पति भी प्राप्ति हो जाती है एक तो कृष्ण को भी पति रूप में दिला देती है और ये जगत का पति भी ये मंत्र बड़ी ताकतमयी मंत्र है इसका एक एक जो शब्द है वो अद्भुत अद्भुत शब्द है मतलब इसी मंत्र में ही भगवान संतुष्ट होकर के ब्रज गोपियों को ठाकुर ने दर्शन दिए दर्शन दे करके ठाकुर जी बोले तुम लोगों को साथ में शरद पूर्णिमा में मैं तुम्हारी साथ में मैं रास करूंगा अभी ठाकुर जी रासलीला करने जा रहे जब श्री सुखदेव गोस्वामी ये रास लीला को वर्णना करते हैं बल भगवान अपि तारात्री सरद उत्फुल्ल मल्लिका
भिक्षरान्तु मनश्चक्रे जोग मायांग मुपासिता। गत इसी मंत्र में जब श्री सुखदेव गोस्वामी रास को प्रारंभ कर रहे हैं, इसका पहला शब्द है भगवान। कहते भैया ये रास करने कौन जा रहा है? कहते कोई, ये बच्चों को बंद कराओ, इसलिए कोई साधारण व्यक्ति ये रास करने नहीं जा रहे हैं। कहते ये भगवान कृष्ण रास करने जा रहे हैं, ये भगवान है, वो जीव नहीं। कभी कभी कोई कहते ना, केवल कृष्ण ही क्या बांके बिहारी रास कर सकते हैं, हम क्या रास नहीं कर सकते हैं। कभी कभी कोई बोलते ना, हम क्या रास नहीं कर सकते हैं? लेकिन भगवान कृष्ण जब रास किया, कहीं कहीं आया तो 100 करोड़ गोपियां थी, और कहीं कहीं आया 300 करोड़ गोपियों को साथ में प्रभु रास किया है। लेकिन कोई कोई कहते केवल बांके बिहारी रास करेगा, हम नहीं रास करेंगे। नहीं भैया, हम रास नहीं कर सकते। आप लोगों ने शादी किया हो? कौन कौन शादी किया हाथ उठाओ तो। कौन कौन हाथ उठाओ, अरे हाथ उठाओ, कौन कौन शादी किए जोर से हाथ। कोई शादी नहीं की यहाँ पे? हाँ देखो, एक स्त्री को संभालना कितना कठिन है। अगर जीवन में एक स्त्री को साथ में किसी तरह से जीवन बीत जाए ना, समझना हमने गंगा नहा लिया है, गंगा नहा लिया। देखो एक समय, ध्यान देकर सुनो, एक समय एक लड़की शादी होकर के अपना ससुर घर जा रही थी। देखना जब लड़की शादी होकर ससुर घर जाती है, वो लड़की रोती है, रोती है कि नहीं रोती है, बहुत रो रही थी। उसका रोना बंद नहीं हो रहा था। परिवार वाले सोच रहे थे तू चिंता मत करो, बीच बीच में आ जाना, हम भी बीच बीच में जाएंगे, इसलिए कोई चिंता मत करो। लेकिन उसकी रोना ही बंद नहीं हो। इतने में पति ने कहा क्यों रो रहे हो, चुप हो जा, रोती जा रही है, रोती जा रही है, चुप हो जा। इतने में कहती है देख, जीवन में मैं पहला बार रो लिया, आज से मेरे रोना बंद, कल से तेरा रोना शुरू हो जाएगा। कल से मैं नहीं रोऊंगा, कल से तू रोगे, कल से। मतलब एक स्त्री को जीवन में पालन करना, जो शादी किए हुए हो आपको पता होगा कितने कठिन से संसार को हम मेंटेन करते हैं। हाँ देखो, एक व्यक्ति का 2 पत्नियां थी। अभी पत्नी पति दिन भर बाहर काम करता है, सोचता है घर में जाऊंगा तो पत्नी थोड़ी सी मीठी मीठी बोली बोलेगी, पास में बैठ करके पंखा झुलाएगी, गर्म गर्म रोटी खिलाएगी। लेकिन जब जब घर में आए, घर में महाभारत, वो कहती है उसने मेरे को ऐसे बोल दिया, वो कहती है मेरे को पहले ही से बोल दी थी, बस घर में तो महाभारत। अभी दिन भर काम करते करते बेचारा परेशानी, और घर में आओ तो परेशानी, बाहर भी परेशानी, अंदर भी परेशानी। उसने सोचा क्या किया जाए, सोचा इनके लिए 2 मंजिली मकान बना देता हूँ, एक ऊपर रहेगी और एक नीचे रहेगी, फिर दोनों शांति में रहेंगे। लेकिन जो नीचे रहती हैं, पति जब बाहर से काम करके आए, पहले से ही रोटी पानी बना करके रख लेती हैं, बाहर बैठी रहती, पति आने पर हाथ पकड़ करके जोर जबरदस्ती उसको अंदर में ले जाए। लेकिन जो ऊपर में रहती है, दिन भर परेशानी बेचारी। उसने सोचा अभी क्या किया जाए। एक दिन उसने रोटी पानी बना करके नीचे आकर बैठ गया, बोला आज मैं मजा चखाऊंगा। जो पति काम करके आए, पति का हाथ पकड़ कर बोले, रोज नीचे चले जाते, मैं ऊपर बैठी, चल ऊपर चला, आज पकड़ करके ले जा रही थी। इतने में जो नीचे थी ना, बोला भैया मैं भी तो रोटी मारी बना करके बैठी हूँ, एक तो हाथ पकड़ कर ऊपर खींच रहा है और दूसरा टांग पकड़ लिया, एक हाथ एक टांग, अभी कोई भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। उसी समय में उसको घर में एक चोर चोरी करने के लिए आया था। उसने देखा भैया घर में 2 पत्नी होने पर क्या झगड़ा हो, देख रहा था वो तो चोरी करना भूल गया। बड़े देर में इसका, जब इनकी लड़ाई खत्म हुई, देखा घर में चोर घुसा हुआ। अभी चोर को पकड़ लिए, लेकर के पुलिस को पास में ले गए। पुलिस ने कहा बताओ इसको क्या सजा दिया जाए। वो कहता है चोर, बोले पुलिस साहब जो कुछ सजा दोगे सब सजा लेने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन एक दंड सजा मेरे को मत दो। बोले क्या? बोले मेरे घर में 2 बीवी नहीं होनी चाहिए, मेरे घर में 2 पत्नी नहीं होनी चाहिए मेरी घर में हैं। इसलिए भैया एक को संभालना कितना कठिन है, लेकिन 2 हो जाए तो घर में महाभारत। और भगवान कृष्ण 100 करोड़ गोपियों के साथ में प्रभु रास कर रहे थे, हर गोपियां देख रही थी कृष्ण मेरे पास में। एक दिन नारद जी चक्कर में पड़ गए, बोले क्यों? बोले घर में भैया 2 पत्नियों तो लो, रोज घर में लड़ाई। लेकिन कृष्ण द्वारका में
16,100 पटरानियों को कैसे संभाल रहे हैं। एक दिन नारद जी गए द्वारका देखने के लिए। जब रुक्मिणी घर में प्रवेश किया, वहां पर देखा भगवान यज्ञ कर रहे थे। जब श्री नारद जी आए, भगवान उनको स्वागत की, उनको बैठा करके चरण की पूजा की, भोजन कराया। बोले बाबा बीच बीच में आ जाया करना, कृष्ण अभी अभी उनको विदाई दिया। फिर दूसरे महल में प्रवेश किया जहाँ सत्यभामा थी, वहां पर देखा ठाकुर जी बच्चों को पढ़ा रहे थे। यहां से ठाकुर जी विदाई दे करके जब दूसरे घर में गए, कृष्ण कह रहे हैं बाबा अब तो बड़े दिनों में आए हो, बीच बीच में तो आया करो। नारद तो अक्के बके चक्के, अभी तो कृष्ण विदाई दिया, दूसरे घर में प्रवेश करते महल में, कहते बड़े दिनों में आए हो। वहां से ठाकुर जी जब विदाई दिए, इतने में कालिंदी के घर में महल में गए, देखा वहां पर भगवान चौकट खेल रहे थे। कृष्ण ने कहा बाबा बड़े दिनों में आए हो। अभी जिस जिस घर में नारद जी गए ना, ठाकुर जी को अलग अलग रानियों को साथ में अलग अलग रूप में उन्होंने लीला करते हुए देखा। नारद तो देख देख करके दंग हो गए। बोले भैया ठाकुर ही सबकी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी जब रास को प्रारंभ करते हैं, जो पहला शब्द है भगवान, भगवान मतलब क्या होता है, कहते जो अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक है, दिन को रात और रात को जो दिन कर सकते हैं, हैं? इसलिए भग मतलब होता है ऐश्वर्य, बान मतलब सारे ऐश्वर्य का जो मालिक है, जैसे कहते ना बलवान धनवान, उसी तरह भगवान। भग मतलब होता है कि बच्चे किसके हैं, बच्चों को अपना अपना गोद में रखा करो। इसलिए भगवान मतलब सारे ऐश्वर्य का जो मालिक है। देखो पुराण में एक श्लोक आया है, भगवान का क्या डेफिनेशन है, आप लोग ध्यान देकर सुनो। हमारे जो हिंदू लोग हैं ना, वो बड़े सरल सीधा होते हैं, हैं? ये बड़े सरल होते हैं। थोड़ी सी अगर चमत्कार दो कोई देख लिया ना, भैया ये भगवान भगवान बोलकर उसको पीछे पीछे भागना शुरू कर देते। देखो ध्यान देकर सुनो, भगवान का मतलब क्या है। इसलिए भाग मतलब ऐश्वर्य, बान मतलब अधिकारी। बोले जिनको अंदर में छह ऐश्वर्य परिपूर्ण रूप में हो। बोले छह ऐश्वर्य क्या है, बोले समग्रस्य ऐश्वर्यस्य वीर्यस्य जसस श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव सरनांग भव इति गणा। ये पुराण में बताए। बोले विश्व ब्रह्मांड का, केवल भारत का नहीं, केवल पृथ्वी का नहीं, केवल ब्रह्मांड का नहीं, अनंत करोड़ ब्रह्मांड का जो सारे ऐश्वर्य का जो मालिक हो, सारे ऐश्वर्य का जो मालिक हो। इसलिए आप लोग ने अभी सुदामा जी की कथा सुनेंगे। सुदामा जी दो मुट्ठी चिड़वा लेकर ठाकुर जी के लिए गए, एक मुट्ठी ठाकुर खाए, दूसरे मुट्ठी खाए, जब तीसरे मुट्ठी खाने जा रहे थे, रुक्मिणी हाथ पकड़ी, बोली प्रभु और नहीं, आपने दो मुट्ठी चिड़वा खाया ना, उसको घर में सारे राज ऐश्वर्य उसको घर में पहुंच गया। और सुदामा आया तो सोने की महल, रानी उनकी पत्नी रानी बन करके बैठा हुआ। बताओ जगत में कोई कर सकता है। भगवान जब मथुरा छोड़ करके द्वारका में गए, सो रहे थे सब मथुरावासी मथुरा में, ठाकुर की इच्छा हुई यहाँ पर दुष्ट बदमाश लोग आक्रमण कर रहे हैं, अभी हम द्वारकापुरी जाना चाहते हैं। सो रहे थे मथुरा में, लेकिन जब सवेरे उठा ना, देखा कोई मथुरा में है नहीं, सबके सब कहाँ, बोले द्वारका में, समुद्र चारी तरफ में लहरा रहे हैं। और द्वारकापुरी कैसे बना हुआ बताए, सोने की, पूरा द्वारका सोने की बना हुआ द्वारका, इसलिए उसका नाम पड़ेगा द्वारका। द्वारका मतलब जब सवेरे उठे, बोले भैया द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, द्वार मतलब द्वार मतलब द्वार, दरवाजा कहाँ है, द्वार कहाँ है, इसलिए उसका नाम पड़ गया द्वारका। क्यों, सवेरे देखा समुद्र के बीच में सोने की महल, और वहां पर कोई कर सकता है दुनिया में, बताओ कोई कर सकता है नहीं। कहते जो मरने वाले व्यक्ति को जो जिंदा कर सकते हो भगवान ही। भगवान कृष्ण तीन बार जिंदा किया मरे हुए व्यक्ति को, हैं? जिस समय कृष्ण गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए थे, 64 दिन में भगवान ने 64 विद्या को पढ़ लिया। सुदामा तो कहते उनको गुरु शांति बनी तो आश्चर्य में पड़ गए। बोले भैया एक विद्या पढ़ने के लिए सारा जिंदगी लग जाती है,
जो सीए करते हो, जो इंजीनियरिंग करते हो, जो हैं, जो लोग दूसरे दूसरे विद्या को पढ़ते हैं, देखना 25-25 साल तक लगती है केवल एक विद्या पढ़ने के लिए, लेकिन भगवान कृष्ण ने 64 दिन में उन्होंने सारी विद्या को पढ़ लिए। गुरु जी तो आश्चर्य में पड़ गए। उनकी पत्नी को बोले, देखो ये जो कृष्ण बलराम है ना, लगता है ये भगवान है। बोले कैसे? बोले जो काम किसी ने नहीं कर पाए, सारा जीवन पढ़ते पढ़ते ये 64 दिन में 64 विद्या को पढ़ लिए, ये लगता है साधारण नहीं, लेकिन परीक्षा करके देखेंगे ये भगवान है कि नहीं। बोले कैसे परीक्षा करेंगे? बोले जब ये वापस जाएगा, नियम है गुरु दक्षिणा देनी चाहिए, ये अपना गुरु दक्षिणा मांगेंगे, हैं? गुरु दक्षिणा मांगेंगे, लेकिन हम ऐसे एक दक्षिणा मांगेंगे जो केवल भगवान के सिवाय जो कर नहीं सकते, भगवान का सिवाय जो नहीं कर सकते। बोले क्या मांगेंगे? बोले हमारी बेटा बचपन में मर गया, हम बोलेंगे मरे हुए बेटी को वापस लाओ। जो उन्होंने मरे हुए बेटे को वापस लाए ना, जाने तो ठाकुर जी क्या किए, जम महाराज के पास में गए भगवान कृष्ण, वहां शंख बजाया, जम स्वयं विश्व ब्रह्मांड जिनकी डर से थरथर थरथर कांपते हैं, जब भगवान ने शंख बजाए, जम महाराज कांप उठे, लगता है मेरा बारी आ गया। बोले क्यों? जिन्होंने गर्भ का इंद्र का गर्भ की नाश किया, जिन्होंने ब्रह्मा की अहंकार को नाश किए, लगता है भैया मेरा नंबर आ गया। स्वयं काल थर 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 कांपते कांपते आए, बांके बिहारी की चरण में प्रणाम की। बोले प्रभु क्या सेवा करें, प्रभु आपकी क्या सेवा करें? बोले मेरे गुरु पुत्र को वापस लाओ। ठाकुर जी मरे हुए बच्चे को वहां से लाए। फिर जब देवकी को पता चला मेरे लाल ने मरे हुए पुत्र को वापस लाए, बोले बेटा कंस भी मेरे 6-6 बच्चों को मार डाले, मेरे मन में भी इच्छा होता है एक बार अपना बेटे को मुख देखो, ला दोगे? बोले कोई चिंता नहीं भगवान। फिर मरे हुए बच्चों को लाए, 6-6 बच्चों को मरे हुए बच्चों को लाए भगवान, हैं? फिर जब ठाकुर जी द्वारका में लीला करते थे, एक ब्राह्मण का बच्चा मरते ही गाय, भगवान फिर महाकालपुर में गए, फिर ठाकुर जी फिर मरे हुए बच्चों को लाए। देखो भगवान उसको कहते हैं जो मरे हुए व्यक्ति को भी जिंदा कर सकते हैं, और जो दिन को भी रात कर सकते हैं। कब किया बताओ? दिन को रात कब किया? महाभारत युद्ध में देखे हो? महाभारत कौन कौन महाभारत देखे हो? जब अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कल सूर्यास्त से पहले अगर मैं जयद्रथ को नहीं मार पाऊंगा सशरीर में अग्नि में, शरीर को त्याग दूंगा। लेकिन कृष्ण ने देखा अभी तो ऐसे चक्रव्यूह रचना की द्रोणाचार्य ने, अभी भी अर्जुन नहीं पहुंच सकता है। भगवान सुदर्श ने चक्र का आदेश दिया, दिन में ही उन्होंने रात कर दिया, दिन को उन्होंने रात बना दी। ये भगवान है। देखो भगवान का तो दूसरा गुण, ये चीज को समझो अच्छे तरह से, भगवान कभी बूढ़े नहीं होते, ये चीज को समझो। भगवान का कभी दाढ़ी और भगवान की कभी मोच नहीं होता है। अब लोग बताओ तो भगवान राम ये दुनिया में कितना दिन तक रहे? कौन बोलेगा? हाथ उठाओ। अरे बोलो, भगवान राम मर्त्य जगत में कितने दिन तक रहे? कौन बोलेगा? हाथ उठाओ। देखो यही हमारी दुर्भाग्य विषय है। अगर पूछो कौन हीरो का नाम किया ना, सारे यहां पर बता देंगे। कौन हीरोइन का नाम किया सब बता देंगे। इसलिए हमारी धर्म की इतना पतन हो रही है। आप किसी मुसलमान बच्चों को, छोटे बच्चों को पूछो, 2-3 साल बच्चों को पूछो कुरान बोलो तो झटाझट कुरान बोलना शुरू कर देगा, क्योंकि उनके धर्म में 2 साल से ही ये कंपलसरी उनको कुरान पढ़ाई जाती है, कंपलसरी। एक मुसलमान बच्चे को 2 साल में उनको कुरान। आप लोग देखना शुक्रवार का दिन मुसलमान लोग अपना बच्चे को सर पर टोपी पहना करके मेन रोड में बैठ करके अपना नमाज पढ़ते हैं। बताओ तो यहाँ पर कौन हिंदू है जो कि अपना बच्चे को गीता पढ़ाते हो? बोलो कौन सा ऐसे हिंदू? देखो तब भी हम हिंदू कहलाएंगे, हमारे मूल ग्रंथ गीता है। जब गीता को हम पढ़ेंगे, जब चोटी रखेंगे, गला में कंठी पहनेंगे, तिलक लगाएंगे, तभी तो हम हिंदू है ना। अगर ये सब चीज नहीं करेंगे तो फिर हम कौन है बताओ? फिर कौन है? मुसलमान हो तो किस चीज के हिंदू हो? घर में जन्म लेने से हिंदू हो जाता है? मुसलमान सबके सब हम,
यही तो चक्कर है। किसको पूछो गीता का कोई श्लोक बोलो, नहीं गीता का कोई भी श्लोक, हमारी मूल ग्रंथ गीता है। पूछो कौन हीरो हीरोइन का नाम, सारे याद, सारे बुखस था तुम्हारी। इसलिए यही हमारी हिंदुओं में कमी है, यही चीज कमी है हमारे अंदर में। हाँ, इसलिए अगर चाहते हो अपना धर्म रखिया हो, अपना धर्म रखिया हो, सनातन धर्म रखिया हो, क्या करो, पहले तो पिता माता को करना पड़ेगा भक्ति। गला में कंठी तिलक लगाओ, गीता पढ़ो, बच्चों को भी बोलो गीता पढ़े, बच्चे भी गीता और बच्चे भी रामायण पढ़े, ठीक है ना। हाँ, सबके सब गीता। इसलिए भगवान राम इस जगत में 11,000 साल तक, भगवान राम ये जगत में राजत्व किए, 11,000 साल तक प्रभु रहे। लेकिन भगवान में कभी देखना नहीं, भगवान राम का कभी दाढ़ी नहीं देखोगे, कभी उनका मोच नहीं देखोगे। भगवान कृष्ण कितना दिन तक थे, राम की कथा तो छोड़ दिए, बताओ तो कृष्ण जगत में कितना दिन तक रहे, 140। कौन बोलेगा, कोई नहीं, 140। इसलिए भगवान कृष्ण जगत में 125 साल तक भगवान कृष्ण जगत में रहे। लेकिन भगवान को कभी मोच दाढ़ी भगवान का नहीं देखोगे, हैं? क्योंकि जो भगवान है नव किशोर नटवर, हर समय भगवान कृष्ण 14 साल से उम्र कभी भगवान का ज्यादा नहीं हुआ। उनको जो गोपियां राधा रानी 13.5 साल के कभी उनकी उम्र ज्यादा नहीं होता है। भगवान राम भी 14.5 साल से कभी ज्यादा उनको उम्र कभी होती नहीं। इसलिए भगवान कभी बूढ़ा बूढ़ी नहीं होते हैं ठाकुर जी। और दूसरे चीज है, आप लोगों ने टीवी में रामायण देखे हो, कौन कौन टीवी में रामायण देखे, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, कौन कौन टीवी में रामायण देखे, कुछ कुछ लोग देखे, किसको पूछो सिनेमा कौन देखा, बोले सब देखे, सास बहू की लड़ाई किसने देखा, बोले सब देखे। इसलिए कम से कम रामायण टीवी में आए उसको तो देखा करो। इसलिए आप लोग जो रामायण देखे होंगे, देखना जब भगवान राम इसी जगत छोड़ करके प्रभु राम गए, आप देख लेना एक तरफ में सरज में स्नान कर रहे हैं, पूरा अयोध्या वासियों को लेकर गए सरज में स्नान कर रहे हैं, दूसरे तरफ में चतुर्भुज रूप लेकर प्रकट हो रहे हैं, और गोलोक बैकुंठ से हैं, वहां से सांकेत धाम से विमान आए, सबके सब विमान में बैठी करके भगवान अयोध्या वासी, किसी अयोध्या वासियों को ठाकुर नहीं छोड़े, पूरा अयोध्या वासियों को लेकर के ठाकुर जी सांकेत में गए, केवल एक व्यक्ति को छोड़कर गए। किसको छोड़कर गए थे, जोर से बोलो, हनुमान जी को। बोले क्यों, बोले अगर तू चला जाओगे तो फिर जगत में राम भक्ति प्रचार कैसे होगा, कौन राम भक्ति को प्रचार करेगा, केवल उन्होंने श्री हनुमान को ही छोड़ करके जाते हैं जगत में। इसलिए भगवान कृष्ण जब गए, पूरा ब्रजवासियों को लेकर ठाकुर जी गए, राधिका ललिता विशाखा सखा सखी गोप गोपी उनकी गैया बछड़ा किसी को ठाकुर नहीं छोड़े, सबके सब को लेकर ठाकुर जी अपना धाम में जाते हैं। इसलिए भगवान कभी बूढ़े नहीं होते, भगवान कभी हैं सारे ऐश्वर्य सारे बल सारे वीर्य सारे पराक्रम में भगवान अद्भुत होते हैं। देखो हमारे हिंदुओं का जो भगवान है, भगवान श्री बांके बिहारी, भगवान श्री राम है, भगवान श्री नारायण हमारी भगवान, ये जो तीनों है ये हमारी भगवान, कौन भगवान है, ये केवल तीन ही हमारी भगवान है, कौन है, बांके बिहारी राम और श्री कृष्ण श्री नारायण, केवल तीन भगवान। बोले शंकर देवी फिर हनुमान जी ये सब कौन है, बोले ये सब के सब भगवान की भक्त हैं, ये सब के सब ठाकुर जी की, ये सब के सब भक्त हैं सब के सब। इसलिए इनको भक्त रूप में प्रार्थना करना, इनसे भगवान की भक्ति और प्रेम इनसे मांगना, किसकी प्रेम, राम की प्रेम हो या तो कृष्ण की प्रेम हो या तो श्री नारायण की प्रेम हो। इसलिए यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भैया जो रास रचैया ये स्वयं श्री बांके बिहारी, ये कोई जीव रास नहीं रचा रहे हैं। बोले श्री बांके बिहारी लाल की, अरे जोर से बोलो, पीछे लोग तो चुपचाप बैठे हैं, बोले बांके बिहारी लाल की। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी जब वर्णना कर, जब भगवान कृष्णा बंसी बटे को नीचे ठाकुर जी बंसुरी बजाए, ये बंसी ध्वनि बजाते समय जितने गोपियां थी ना राधा रानी सुन रही थी, बंसुरी से केवल राधे 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 नाम, ललिता सुन रही थी केवल ललिते ललिते, विशाखा सुन रही थी केवल विशाखा विशाखे, कोई
भोजन कर रही थी, कोई पतियों को कोई भोजन खिला रही थी, कोई बच्चों को दूध पिला रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी, कोई रसोई बना रही थी। जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में छोड़ करके सबके सब भगवान को ठाकुर जी को पास में आए। ठाकुर जी कहते स्वागत में महाभागा, मैं तुम सबको मैं स्वागत करता हूँ। बोले क्यों? बोले तुम लोग ने जगत का सारे कर्तव्य को तुम लोग पीछे रख करके तुम लोग मेरे पास में आए हो, तुम सबको मैं स्वागत करता हूँ। बोले देखो तुम लोग पतिव्रता नारी हो, पतिव्रता नारी का धर्म होता है। देखो ठाकुर जी की शिक्षा देते हैं। बोले पतिव्रता नारी का धर्म है, पति भले ही निकम्मा लंगड़े लुगड़े कुछ क्यों नहीं हो, हमारी सनातन धर्म में पति को परमात्मा मानी गई है। इसलिए तुम लोग पतिव्रता नारी हो, पतिव्रता नारी का कर्तव्य अपना पति की सेवा करनी चाहिए। और ये स्त्रियों का धर्म नहीं, बीच रात में कहीं जाना ये धर्म नहीं, भगवान मना कर देते हैं। पहले देखना, आप लोग जानते होंगे पहले कभी भी स्त्रियों को कोई अकेले नहीं छोड़ते थे, साथ में बेटा जाएगा पुरुष, नहीं तो पति जाएगा, नहीं तो पिता माता को साथ में कभी स्त्रियां बाहर जाती थी। पहले हमारी सनातन धर्म में किसी स्त्रियों को कभी स्वतंत्रता नहीं दी, जाओ तो तुम अपना पति को साथ में जाओ, नहीं तो अपना पिताजी को साथ में जाओ, नहीं तो अपना बच्चे को साथ में जाओ, कभी भी बाहर नहीं निकाला करती थी। शास्त्र में बताया स्त्री जाति कैसे है, जैसे आटा को गोंद करके अगर किसी घर के कोने में रखोगे ना चूहा खा जाएगा, अगर किसी छत के ऊपर रखोगे फिर कौवा खा जाएगी। स्त्री ऐसे के जाती है, ऐसे के जाती है, भैया कहीं भी रखो कोई खा जाएगा। इसलिए कभी भी इनको स्वतंत्रता नहीं थी। और रात को तो मना की, लड़कियों को माताओं को घर से निकलने के लिए माताओं के लिए मना किया है, भगवान स्वयं यहाँ पर मना करते। क्यों? तभी हमारी इज्जत सम्मान तभी रहती है, चरित्रता तभी हमारी रहती है। लेकिन अभी धीरे धीरे हमारी कहते विदेशी संस्कृति आ करके हैं, जब हम सिनेमा देखते हैं हीरो हीरोइन को देख करके सोचते यही हमारी आदर्श है। जैसे एक हीरोइन इसको छोड़कर उसको, उसको छोड़कर उसको पकड़ रही है, बस यही हमारे जीवन का आदर्श है। यही हीरो हीरोइन जो चरित्र भ्रष्ट वाले, यही हमारे जीवन का आदर्श है। इसलिए हमारे भारत में जितने सारे गड़बड़ सड़बड़ हो रही है, पहले ही डाइवोर्स का नाम कोई भारत में था ही नहीं, अभी 30-40% डाइवोर्स अभी हो रहा है दुनिया में है। देखो ये जो हमारे प्रभु जी गा रहे थे ना, वो उसी ऑफिस में काम करते हैं जहां पर केस करने के लिए जाते हैं। बोले महाराज जी क्या बताएं, इतने लड़ाई झगड़ा वहां पर, इतने केस इनको पूछ लोग बैठे हुए, उसी ऑफिस में ये काम करते, उसी ऑफिस में जहां पर सब लड़ाई झगड़ा जाती है। फैमिली कोर्ट बन गई है सभी जगह है, तो महाराज सभी जिलों में 150 लड़कियां 150 लड़के रोज दिखाई देते हैं। अभी 10-15 साल पहले एक दो केस आता था, महाराज जी 150 लड़के ही 150 लड़के, गरीब नहीं मध्यम नहीं हाई कास्ट के लोग, और जो करोड़पति अरबपति हैं वो भी दिखाई देते हैं, वो ज्यादा ही दिखाई देते होंगे। इसलिए भगवान कृष्णा पहले से भी जो चीज मना कर रहे हैं, तुम पतिव्रता स्त्री हो हैं, तुम्हारी धर्म पति की सेवा करना ही तुम्हारी धर्म है, अकेले आना धर्म, जा वापस चल जाओ घर में वापस। भगवान यहाँ पर शिक्षा देते हैं ठाकुर जी। लेकिन भगवान गोपियों ने वहां पर बहुत अच्छे उत्तर दिया। बोले प्रभु गीता में तुमने ही तो बताया, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें विद्याम द्रविण तुम्हें सर्वम मम देव देव, तुमने तो गीता में बताया बात, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तुमने गीता में बताई सब धर्म छोड़ करके मेरे शरण में आओ, क्योंकि दुनिया का भाई बंधु पिता माता हम ही हैं। इसलिए तुम्हारी चरण तुम तो जगतपति जगन्नाथ हो, तुमने बंसुरी बजा करके हमारी मन को हरण की और तुमने बुलाए। देखो ये जो गोपियां है ना, ये कोई लड़की नहीं है, ये गोपियां कौन है, ये पूर्व जन्म में भगवान, अब रामायण सुने होंगे, भगवान जब दंडकारण्य में पहुंचे ये बड़े बड़े ऋषि लोग तपस्या कर रहे थे, गोपाल मंत्र की तपस्या कर रहे थे भगवान कृष्ण को पाने के लिए। जब भगवान राम आए, राम और श्याम देखने में एक ही हो, अभी राम को देख करके उनको श्याम की बांके बिहार की याद आई, अभी उन्होंने भगवान राम को पति रूप में प्रार्थना की,
भगवान राम ने कहा देखो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, ये रामावतार में एक सीता के सिवाय मैं किसी को ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, तुम सबके सब गोपी बन करके द्वापर युग में आओ। ये जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग सबके सब गोपी भाव से प्रभु को पाने के लिए ये द्वापर युग में आए। ये गोपियां कोई लड़की नहीं, कहते वेद का कुछ मंत्र थे वो भी गोपी भाव से आराधना की, भगवान उनकी भी इच्छा ठाकुर जी पूरी की, इसलिए ये कोई साधारण लड़कियां नहीं, बड़े बड़े कठोर तपस्या करके भगवान की लीला में इस सबके सब ठाकुर की लीला में आए। अभी ठाकुर जी इनकी बात में ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, प्रसन्न हो करके फिर भगवान ने फिर रास किया है, एक कृष्ण एक गोपी, एक कृष्ण एक गोपी रास कर रहे थे। जो एक आंख में काजल पहन करके आई थी ठाकुर उनको दूसरे आंख में पहना दिया, जो आधी कपड़े पहन करके आई थी ठाकुर जी उनको पूरे कपड़ा पहना दिया, जो गले की हार को कमर में, कमर की करधन की गले में पहनी रखी थी ठाकुर जी सुंदर इनकी श्रृंगार कर दी। बोले अगर हमारी कोई सुंदर श्रृंगार कर सकते हैं, कौन कर सकते हैं, कहते ठाकुर ही कर सकते हैं और कोई कर ही नहीं सकते हैं। अभी गोपी जब कभी कभी नृत्य करते करते अगर पसीना निकले तो ठाकुर दोपटा से पसीना को पोंछ रहे थे, ठाकुर जी बोलते थे चरण दबा दो, क्या चरण में दर्द हो रहा है, चरण तुम्हारी व्यथा हो रही है। देखो माताओं में एक दोष भी है, जानते हो क्या दोष है, अगर जो पति स्त्रियों को बहुत ज्यादा प्रेम करते है ना, देखना वो पत्नी फिर पति का सर पर चढ़ बैठती है, हैं? कहते हमारी बगैर तो इसका काम ही नहीं चलेगा, इतना चापुरासी कर रहा है। अभी गोपियों के अंदर में सौभाग्य मद प्रकट हो गया, मतलब त्रिभुवन में अगर सबसे कोई सौभाग्यवती हम है, क्योंकि कृष्ण हर गोपियों के पास में, लेकिन गोपियां क्या देख रही थी कृष्ण किसको पास में, नहीं हमारी पास में, लेकिन अकेली राधा रानी देख रही थी, क्या देख रही थी कृष्ण सबको पास में भी है और कृष्ण हमारी पास में। इतने में राधा रानी की मान हो गई, क्या मैं सबको बराबर में हो गई हूँ, और ये गोपियां तो कृष्ण को अभी राधा रानी को नेग्लेक्ट करने लग गई, बोले कोई जरूरत नहीं राधा रानी की, हम तो पूर्ण रूप में पूर्ण है। अभी कृष्ण राधा जी की मान को मनाने के लिए, गोपियों की सौभाग्य को मत दूर करने के लिए ठाकुर जी वो अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान होने पर जैसे हाथी हाथिनियों को छोड़ने पर हाथिनियां एकदम बिलबिला जाती हैं, ऐसे ही गोपियां तो कृष्ण चिंतन में इतने डूब गई, पेड़ पौधा लता पता सबको पूछ रही थी हमारी श्याम सुंदर को कहीं देखे हो, कोई कुछ बोल नहीं रहे थे। इतने में पृथ्वी को बोले पृथ्वी तू सर्वत्र विद्यमान, तेरे को तो पता होगा कृष्ण कहाँ गए। जब पृथ्वी के तरफ में देखा है ना कृष्ण की जो चरणों को देखे, बोले देखो बांके बिहारी इधर से गए हैं, लेकिन और थोड़ी दूर गए ना देखा उनको बीच में एक छोटी सी बड़ी प्यारी चरण चिन्ह, वहां पर तीन तरह का गोपियां थी, कुछ राधा जी की पक्ष में, कुछ कृष्ण की पक्ष में, कुछ राधा कृष्ण दोनों के पक्ष में थे, और जो राधा की पक्ष में थे ना वो तो पहचान ही गई राधा जी की चरण चिन्ह है। इतने में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बोले अनया राधित नूनम भगवान हरिस्वर, देखो यहाँ पर जितने भी सब गोपियां थी लेकिन श्याम सुंदर गए तो किसको लेकर गए हैं, यही सखी को लेकर गए। इसका मतलब है सभी सखियों में ये सबसे श्रेष्ठ है। कहते वो कौन है, श्री किशोर जू श्री राधा रानी। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। और थोड़ी दूर गए तो देखा वो चरण है ही नहीं, बोले ये चरण कहाँ गया। एक गोपी कहती है ये तो हृदय को और भी व्यथा देना वाले, बोले क्यों, बोले देखो कृष्ण का चरण दबा हुआ, बोले किसी लिए, बोले कृष्ण उसको गोद में उठा करके लेकर गए। ऐसे करते करते जाते जाते कृष्ण राधा रानी को श्रृंगार कर रहे थे, श्रृंगार वट में कृष्ण बोले जल्दी यहाँ से चल पड़ो, राधा रानी बोले मैं नहीं चल सकती हूँ, जैसे लाए थे हमें वैसे ले चलो। बोले क्या कंधे में बैठो, बोले बैठाओ, जो बैठने के लिए गई ना कृष्ण वहीं पर अंतर ध्यान हो गई, और राधा रानी तो वहीं पर हाँ कृष्ण करते करते वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर गोपियां आ करके उनको होश दिलाती, बोले उनको ज्यादा ढूंढो मत, फिर वो शर्मिंदा होकर छुपने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन उनको कीर्तन सबसे ज्यादा उनको प्यारा है। कृष्ण स्वयं कहते हैं मत भक्ता जत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद, हे नारद मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ,
योगियों का हृदय में नहीं, जहां पर मेरे भक्त कीर्तन करते वहीं कर रहता हूँ। चलो हम बैठ करके जमुना किनारे में कीर्तन करेंगे। की कहां छुपा आजा चलिया, मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कभी टूट न जाए, मुर्गी वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये आजा चलिया, मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कब टूट न जाए, मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा Thank you.
तेरी लाएं रोती है जितने नालायक हो जाए पिता माता के हृदय में स्वाभाविक स्नेह है, स्वाभाविक स्नेह है, ये मेरे बच्चा है, मेरे में लाला है, भले ही बेटा तुम्हारी जितने क्यों नालायक हो, इसलिए पिता माता की जो ऋणी कोई चुका नहीं सकते, करोड़ों साल में भी पिता माता की ऋणी कोई चुका नहीं सकते, इसलिए कोशिश करनी चाहिए जैसे पिता ऋणी से कभी उतर नहीं जैसे, लेकिन उसने पति को बोल दिया देखो तेरे माँ को साथ में मैं नहीं रह सकता, मैं तो अपना पीहर जा रहा हूँ, अगर तू रहना चाहते हो एक काम कर, हम दोनों अलग रहते हैं, तुम्हारी पिता माता को अलग कर दो, नहीं तो मैं घर में नहीं रहूंगी। इतने में लड़का ने जा करके, अभी घर में नई नई बहू आई ना, अभी तो उसकी बात सुनना पड़ेगा, अभी माँ को जाकर बोले देख मैया मेरी पत्नी कहती है मैं पीहर जा रही हूँ, तभी मैं आऊंगी घर में जब हम दोनों अलग रहेंगे, नहीं तो मैं घर में आऊंगी नहीं। इतने में बेटा ने कहा देख मैया तू मेरे को जन्म से लेकर अभी तक तुमने लालन पालन की, इसलिए तुमने मेरे पीछे जितने पैसा लगाई तुम हिसाब करके मेरे को बता दो, मैं उतना पैसा मैं तेरे को दे दूंगा, तेरी ऋणी को उससे मैं मुक्त हो जाऊंगा और पत्नी को लेकर के मैं अलग रहूंगा। इतने में पत्नी चली गई, अपना पीहर चली गई, अभी बेटे मैया ने तो बड़ी बूढ़ी पुराना समय की माँ है, बोले देख बेटा मैं अनपढ़ हूँ, अभी जन्म से लेकर के कितना पैसा लगाया कुछ दिन तो लगेगा ना, इसलिए मेरे को एक महीना दे दे, एक महीना में मैं हिसाब करके मैं बोल दूंगी, बोले एक महीना नहीं तेरे को मैं दो महीना देता हूँ। अभी ठंडी का समय, माँ की महीना ठंडी का समय, बेटा सो रहा था, इतने में मैया ने किया कि एक लोटे पानी लेकर के ना बिस्तर में एक तरफ में डाल दी, डाल दी तो वो बड़े गहरा नींद में सो रहा था, इतने में उसने दूसरे करवट ले ली, थोड़ी देर बाद में मैया ने किया कि दूसरे तरफ में लोटे का पानी लेकर डाल दी, जब डाल दी फिर उसने जब दूसरे बार करवट ली ज्यादा गिली लगी, थोड़ी देर बाद में दूसरे तरफ में डाल दी तो उसने नींद खुल गई, इतने में देखा मैया ने पानी डाल रही है, उसको इतना क्रोध है, बोले तेरे को दिख नहीं रहा है मैं सो रहा हूँ, हाँ मेरे को तंग करते जा रहे, क्यों क्यों तुम लोटे में पानी डाल रही हो, मेरी नींद तुमने खराब कर दी, तुमने बच्चा बिगड़ गया मैया को बर में, बोले बेटा तुमने कहा है ना जन्म से लेकर के अभी तक तुमने मेरे पीछे जो पैसा लगाया उसका हिसाब कर, मैं एक रात का मैं हिसाब लगा रही थी, जब रात में कभी तू पायखाना पेशाब करता था ना मैं तेरे को सुखी में सुला लेती थी, मैं गिली में सो जाती थी, फिर दूसरा बार जब पायखाना पेशाब कर जाता था फिर मैं सुखी में सो करके फिर मैं गिली में सो जाती थी, कितना रात में रोया तुमने, बच्चे पाले हो कौन कौन पाले हो आपको पता होगा, कितने कष्ट से बच्चे को पालते हैं माँ आपको पता होगा, कितना रात मैंने सोया नहीं, कितना रात मैंने रोया, अगर कोई तबीयत खराब हो गया तो रात दिन तो एकाकार कर दिया तेरे पीछे, भोजन नहीं किया, इसलिए मैं एक रात का मैं हिसाब लगा रही थी, और तूने कहा जन्म से लेकर के अभी तक तुमने जो कि पैसा लगा दे, बेटा का बुद्धि ठिकाना में आ गया, बेटा का बुद्धि ठिकाना में आ गया, बोले मैया सही कह रही है, इसलिए भैया माँ की ऋणी कभी तुम उतार नहीं सकते हो, इसलिए और एक चीज जितने बहू ये अच्छे तरह से सुनो, एक दिन जो बहुओं को भी एक दिन सास बढ़ना पड़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं, अगर हमने सास की सेवा करेंगे तभी तो मेरी जो बहू हमें सेवा करेगी ना, अगर खुद हमें अपना सास की सेवा नहीं करेंगे, हमारा बच्चे भी तो देख रहे हैं, बच्चे देख रहे कि नहीं, सब देख रहे हैं, हम जैसे अपना सास ससुर की सेवा करेंगे हमारी बहू भी हमारी ऐसे सेवा करेगी, इसलिए भैया हर समय पिता माता को आदर जत्न दो। और एक चीज समझो, जितने माताएं हैं
ये जो सांस और ननंद है ना बड़ा, अभी प्रभु जी कहते ना ये बहुत समय से है, ये सांस ननंद, सांस और ननंद और बहू को साथ में जो लड़ाई वो पहले से ही है, बड़े तेज होती है। इसलिए देखो जो सांस है, अच्छी तरह सुनो जितने सांस है, जैसे अपना घर में आते हो तुम बेटी के लिए भी कुछ ना कुछ लेकर के आती, आती कि नहीं, लेकिन एक नजर से बेटी को देखती है, दूसरे नजर से बहू को देखती है, ऐसे नहीं होनी चाहिए। अगर तुम जैसे बेटी के लिए कोई अच्छे तिथि तिबा रहा है, जैसे साड़ी लेकर के आती हो, घर का बहू भी तो है ना, कि बाहर की बहू, तुम्हारी घर को कौन बचाएगा बताओ, कौन बचाएगा, बहू तो बचाएगी, बहू तो घर में रहेगी, बेटी तो दो दिन बाद में अपना पीहर अपना ससुर घर चली जाएगी। इसलिए भैया जैसे बेटी को देखते हो बहू को भी वैसे देखो, अगर कहीं बाहर जाओ जरूर बहू के लिए कुछ ना कुछ लेकर के आओ, कोई मिठाई कोई लड्डू कुछ ना कुछ लेकर के आओ, देखना बहू अपने आप तुमको अपना मैया लगने मानने लग जाएगी। इसलिए बहू को बहू रूप में नहीं अपना बेटी रूप में देखो, और जो बहुए हैं अपना सास को किस रूप में देखो, सास रूप में नहीं अपना मैया रूप में देखो, बस झगड़ा खत्म है। लेकिन यहीं पर हमारी गड़बड़ी होती है, एक तो सास पहले बहू को बहू रूप में देखती है, बेटी रूप में नहीं देखती है, बेटी को एक दृष्टि से और बहू को दूसरे दृष्टि से देखेगी, फिर बहू तुमको क्यों मानेगी बताओ, क्यों मानेगी। इसलिए ये चीज को सबके सब याद रखो, ये बच्चा किसका है इसको गोद में रखो, ये बच्चा है किसका, इसलिए फिर तो घर में झगड़ा लड़ाई नहीं होगी, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर कृष्ण स्वयं कहते हैं, कहते भैया जो पिता माता का जो ऋणी है ना, ये पिता माता का ऋणी कभी हम चुका नहीं सकते हैं। इसलिए जो तीसरी जो तरह का व्यक्ति है, तीसरे तरह करो नहीं करो तभी किसको साथ में मतलब नहीं, कहते तो चार ही तरह के व्यक्ति होते हैं, आत्मा राम, आप्तकाम, गुरु द्रोही और अकृतज्ञ। कहते कृष्ण तू आत्मा राम आप्तकाम तो है ही नहीं, लगता है तू गुरु द्रोही और अकृतज्ञ है, क्योंकि तुम्हारी प्रेम का गुरु कौन, गोपियां राधा रानी, तूने बीच रात में बुला करके बता नहीं तुमने कहां बीच रात में छोड़कर चला गया हो, इसलिए लगता है तुम ऋणी को चुकाए नहीं। इतने में कृष्ण बताए, देखो प्रेम की दो पहलू है, एक मिलन है और एक विरह है। मिलन में क्या होता है, सामने सामने मिलते हैं और हृदय से खोते हैं, लेकिन ये विरह से क्या होता है, ऊपर से तो दूर में रहते हैं लेकिन अंदर से मिलते हैं। देखो गोपियां तुम्हारी हृदय में जो दिव्य प्रेम मेरी प्रति थी, ये प्रेम को मैं दुनिया को दिखाना चाह रहा था, अगर मैंने तुमको नहीं छोड़ता तो मेरे विरह में इतने सुंदर जो गोपी गीत गाए, वेणु गीत, जुगल गीत, जितने गीत भागवत में दिव्य दिव्य है, ये जो गोपियों की राधा जी के हृदय की जो प्रेम वैचित्रता केवल विरह में प्रकट हुआ, दुनिया में तुम्हारी प्रेम को मैं दिखाना चाहता था। इसलिए विरह में क्या होता है, सर्वत्र भगवत स्फूर्ति होते हैं, इसलिए मैं तुमको कहीं छोड़कर नहीं गया, तुम्हारी बीच में मैं बैठा हुआ था, मैं देख रहा था तुम्हारी प्रेम मेरी प्रति कितना, इसलिए मेरे को ऐसे मत समझो। फिर गोपियां संतुष्ट होकर महाराज की, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण महाराज की, और जिस महाराज में स्वयं शंकर जी भी गोपी बन करके प्रभु का दर्शन करने के लिए, ठाकुर जी स्वयं शंकर जी गोपी बन करके आते हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन श्री पौर्णमासी बलि देखो वहां पर एक पुरुष कृष्ण है, वहां पर और कोई स्त्री नहीं है, वहां पर सब स्त्री, केवल कृष्ण एक पुरुष, इसलिए तुम्हें स्त्री रूप धारण करना पड़ेगा। ब्रह्म कुंड में शंकर जी स्नान की, सुंदर गोपी बन गए, बोले ये ईशान कुंड में बैठ करके दर्शन करो, लेकिन कृष्ण तो सर्वंतर जी हम सब जानते हैं, बोले आज मेरे को आनंद नहीं मिल रहा है, लगता है इसमें कोई नई गोपी आई है। अभी गोपियों ने ढूंढने लगे कौन आई है, देखा कुंज में एक कोई नई गोपी बैठी हुई, बोले भैया तेरे सास का नाम किया, तेरे ससुर का नाम किया, है कौन सा गांव के तेरे खसम का नाम किया, लेकिन ये तो गोपी नहीं, वो तो गोप है, वो तो शंकर जी, वो कोई बोल नहीं पाई, बोले भैया यही दुष्ट आकर बैठी गई, फिर चोटी पकड़ कर उनको निकाले। इतने में श्री शंकर जी है, इतने में पौर्णमासी आई है, पौर्णमासी आई, बोले प्रभु ये मेरे कृपा से ही ये आई है, इसको पर मैं कृपा करो। कृष्ण ने कहा देखो आज से तुम गोपीश्वर शिव रूप में आज तुम्हारी यहाँ से पूजा होगी, अगर कोई वृंदावन में आए तो तेरे को दर्शन किए बगैर वृंदावन धाम दर्शन करने का फल नहीं मिलेगा, इसलिए कभी अगर वृंदावन में जाओ
जरूर श्री गोपी स्वरूप शंकर जी को दर्शन करनी चाहिए। क्यों? वहाँ के चौकीदार श्री शंकर जी, इनके आदेश अगर आप वृंदावन प्रवेश नहीं कर सकते हो। बोले श्री गोपेश्वर महादेव की जय। जय जय श्री राम। इसलिए 2 लाख रुपए जाते 2 लाख ज्यादा नहीं, तो समय नहीं। एक दिन वो बोले भंडारी, जब तक कथा देखो, आज का कथा जो सुनेगा उसको 7 दिन की कथा सुनने का फल मिलेगी। आज जब तक कथा विश्राम नहीं हो कोई उठना नहीं, कथा को बीच में उठने पर पाप लगता है, इसलिए आज पूरी कथा सुन करके जाओ, फिर 7 दिन की कथा सुनने का तुमको फल मिलेगा, बीच से कहीं उठना नहीं, पाप लगेगी। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। हो दिन वो भोले भंडारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। भक्ति जी मना प्रभु रानी वृंदावन आ गए पार्वती जी मना बिहारी नाम प्रभु रानी वृंदावन आ गए। अभी भगवान कृष्ण है कैसे मथुरा में आए ठाकुर जी आकर के उन्होंने कंसों को भी उन्होंने उधार किया। जब ठाकुर जी कंस में उधार किया उनकी 2 बेटी अस्थि प्राप्ति ने जरासंध को भड़का दिया। उन्होंने जाकर के जब भड़का दिया उसने मथुरा को ऊपर में उन्होंने
70 बार उसने आक्रमण किया, भगवान पकड़ते हैं उसको छोड़ देते हैं, पकड़ते हैं और उसको छोड़ देते हैं। लेकिन जब 8 बार उन्होंने आक्रमण किया, एक तरफ में काल यवन, दूसरे तरफ सोच रहे हैं भगवान अभी शादी करनी चाहिए, लेकिन पहले बड़े भाई का तो शादी हो जाए, फिर छोटे भाई का शादी होगा, पहले दाऊ भैया शादी करे, क्योंकि मेरे जब नंबर लगेगा मैं तो एक शादी करूंगा नहीं, 108 पटरानियों को साथ में शादी करने का, कहते श्री बलदेव प्रभु को साथ में, कहते रैवत देव जो राजा है वो साक्षात माँ लक्ष्मी थी, उनकी बेटी रेवती। माता जी बैठ जाओ, ए, क्या कर रहे हो, इनको बैठा, खुद चुप कर बैठो। इसलिए माता जी इधर देखो, उधर देखने का जरूरत नहीं, हरे कृष्णा, ए, उसको सामने भेज दो, क्यों खड़ी हो जाते बीच में बिना कारण के, चुप चुप बैठ रहो, खुद खुद में देखो, दूसरों को देखने का जरूरत नहीं, बीच में डिस्टर्ब करते बेकार। इसलिए उन्होंने अभी उन्होंने ब्रह्मा जी को पास में गए, ब्रह्मा जी किसी विशेष काम में मीटिंग कर रहे थे, जब मीटिंग कर रहे थे अभी जब उन्होंने आए मिलने के लिए, बोले देखो जब तुमने आया था वो सत्ययुग था, लेकिन अभी यहाँ का मर्त्य जगत और उधर का समय में फर्क है, इसलिए अभी तुम जाओगे तो अभी द्वापर युग आ गया, अभी श्री वसुदेव का बड़ा बेटा बन करके श्री बलदेव प्रभु साक्षात विष्णु, और तुम्हारी जो बेटी है ये साक्षात माँ लक्ष्मी है, इसलिए वो केवल विष्णु के साथ में ही शादी हो सकती है। जब उन्होंने आ करके बलदेव प्रभु को साथ में शादी की, लेकिन वो तो थी सत्ययुग की ताल के पेड़ जैसे, और श्री दाऊ भैया द्वापर युग के, जब शादी हुई ना दाऊ भैया तो घुटन तक आए, और रेवती तो ताल के पेड़ जैसे, सखाओं ने कहा भैया बड़े भाग्य से बड़ी बहू मिलती है, बोले भैया शादी की देर नहीं, वही सखा लोग तो खिली उड़ाने लग गए। तो उन्होंने हाल को लेकर के रेवती की कंधे पर लगाए और उन्हें नीचे किया, नीचे करते 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 जब कंधे तक आ गई, बोले वाह जोड़ी अच्छी बढ़ी गई, फिर छोड़ दिए, बोले श्री रेवती रमण भगवान की जय, जय श्री राधे। अभी कृष्ण रुक्मिणी की अभी शादी होने वाली है। हाँ देखो हम लोग ने कितना दिन तक कथा सुनी है, अरे बोलो कितना दिन तक कथा सुने, 7 दिन तक। इसलिए नियम होता है कथा सुनने का बाद कथा से कुछ लो और कथा से में कुछ दो, बोले भैया ले किया और दे किया, अभी ध्यान देकर सुनो यही कथा की सार है, बोले ले किया और दे किया, बोले जितने अच्छी चीजों को लेना चाहिए और गंदी चीज को दे दो, बोले गंदी चीज क्या है, बोले 4 ही गंदी चीज है जिसको श्री परीक्षित महाराज कली को उन्होंने 4 जगह पर स्थान दे दिया, बोले कहाँ कहाँ पर, बोले 4 चीज की, कौन सा 4 चीज को देंगे, बोले पहला नंबर दुतम, जुआ नहीं खेलनी चाहिए, इसलिए स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर ने सिखा दिया, देखो मैं स्वयं धर्म स्वरूप हूँ, लेकिन ये जुआ खेल करके मेरी कितने सत्यानाश हो गया, राज्य गया, भाई गए, फिर द्रौपदी को जुआ में दाव में लगा दिया, द्रौपदी भी गई, और हमको फिर द्रौपदी की वस्त्र हरण देखना पड़ा, हमें 12 साल तक जंगल में भटके और 1 साल तक विराट का राज्य में हमने उन्होंने नौकरी किया है, कहां धर्मराज कंक बने हुए थे, भीम रोसई बनाते थे, अर्जुन बृहन्नला का काम करते थे, बोले अगर कोई जुआ खेलेगा ना इतने नीचे तक तुम आ सकते हो, इसलिए भैया कभी भी ये जुआ फुआ में हाथ मत लगाया करो, हैं? ये मना कर देते हैं जुआ में नहीं खेलनी चाहिए। दूसरा नंबर है पानम, पानम का मतलब होता है किसी तरह का नस्ली वस्तु मत लिया करो, नशा तो एक ही हो ठाकुर का भक्ति और कोई नशा नहीं हो, पान बीड़ी सिगरेट अफीम गांजा भांग गुटखा शराब की कोई नशा नहीं होनी चाहिए। पहले मैंने बताया था ना गुटखा का पहला अक्षर क्या है, अरे बोलो गुटखा का पहला अक्षर जोर से बोलो, ये गुटखा नहीं ये गू है, ये कैंसर होता है और हजम शक्ति खत्म करता है, ये शरीर के लिए हानिकारक, जिसने ये गुटखा की कंपनी खोला ना वो स्वयं कैंसर में मरा और खुद तो मरा और दुनिया को मरवा करके गया, इसलिए भैया कभी ये गुटखा फुटका नशा मत किया करो। और मैंने पहले बताया था शराब नहीं पीनी चाहिए, कहते शराब पीने से मैंने बताया था 3 लाभ होता है,
कितना लाभ है? तीन। क्या क्या बोलो? बूढ़ा नहीं होता, चोरी नहीं होती, और क्या नहीं होता? चोरी नहीं होती। इसलिए पहला नंबर वो बूढ़ा नहीं होगा, दूसरा नंबर में घर में चोरी नहीं होगी, तीसरा नंबर क्या है? कुत्ते उसका दोस्त बन गए। बोले मतलब क्या है? बोले पहला नंबर में वो बूढ़ा नहीं होगा। बोले जो बूढ़ा कब होगा? वो जिंदा रहे तब तो बूढ़ा होगा ना, वो तो पी पा करके आधा उम्र में खत्म हो जाएगा। कुछ दिन पहले मेरे पास में एक माताजी हरि नाम लेने के लिए आई, देखा दो बच्चे। मैंने कहा इसका पिताजी कहाँ गए? बोले मर गया। बोले कैसे मर गया? बोले वो पीते थे, बाद में जब पता चला इसका दोनों किडनी फाफड़े सब खराब, बचने का कोई सवाल नहीं था। इसलिए मैं रसिया प्रचार, अभी मैं रसिया से आया प्रचार करके, वहाँ ज्यादा ही लड़की लड़की है, लड़का बहुत कम। मैंने कहा भैया ये लड़के सब कहाँ? बोले ये शराब पी पी करके आधा उम्र में खत्म हो जाते हैं, और इनके अंदर नंबुसकत हो जाता है। नंबुसकत होने के नाते बेटी होती है, बेटा नहीं होता इनकी। इसलिए बेटी ज्यादा, बेटी बेटी एक एक बेटा के साथ साथ आठ आठ लड़की लड़कियां वहां पर। और ये अमेरिका, वो कह रहे थे अमेरिका ये रसिया को बर्बाद करने के लिए, बर्बाद करने के लिए बिना पैसा की शराब भेजता है। क्यों? शराब पीने पर बुद्धि विकृत हो जाती है, धीरे धीरे वो राज्य समाप्त हो जाती है। इसको उसको बर्बाद करने के लिए बिना पैसा की शराब भेजता है, ये पी पी करके इनका जीवन सर्वनाश हो जाए। इसलिए कि दूसरा नंबर चोरी नहीं होगी। बोले भैया चोरी कब होगा? घर में कुछ हो तभी तो चोरी होगी ना, वो पी पा कर सब तो बेच बाच कर पी पा कर खत्म कर देगा, चोरी कब होगा बताओ? इसलिए आप लोग भी अपना पति बेटों को सावधान करना, ये सब चीज में हाथ नहीं लगाए, हैं हाथ नहीं लगाए। और तीसरा नंबर क्या, एक वीडियो में आया होगा देखे होंगे, एक व्यक्ति कैसे शराब पी करके पड़ा हुआ और कुत्ते आकर के बुरी तरह से उसका मुंह चाट रहा है, आप देखे होंगे। इसलिए कभी ये शराब फराब नहीं पीनी चाहिए। आ देखो इधर सुनो, देखो चाय भी नहीं पीनी चाहिए। क्या नहीं पीनी चाहिए? जोर से बोला कहते भैया चाय में क्या दोष है? देखो ये चीज को सुन लो, बोले चाय की जो पत्ता है ना उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन उसमें एक निकोटीन कफिन डालते हैं, उसमें निकोटीन एक कफिन डालते हैं। आप देखना जैसे शराब पीने पर, शराब पीने का समय आ जाए, अगर कोई शराब नहीं पिए क्या होता है? उसको अंदर बेचैनी से आने लग जाती है, घबराहट हाथ आती हुई। देखना जो लोग चाय पीते हो, हैं जो लोग चाय पीते हो देख लेना, अगर चाय पीने का समय आए, ये रख लो, अगर चाय पीने का समय आए, अगर चाय मत पियो, आप लोग बताओ क्या होता है? मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ। जो चाय पीते हो, चाय कौन कौन पीते हो? करके सब पीते हो। अगर चाय पीने का समय आ जाए नहीं पियोगे, बताओ तुम्हारे अंदर में क्या होगा? आप लोग बताओ क्या होता है? बेचैनी से आने लग जाती है, सिर दर्द होने लग जाते। क्यों? उसमें निकोटीन और ये कफिन डाला हुआ, ये जहर डाला हुआ है। देखो ये चाय कैसे भारत में आई, पहले हमारे भारत के कोई भी व्यक्ति चाय नहीं पीते थे, ये अंग्रेजी लोग पिया करते थे। लेकिन इन लोगों ने अपना बिजनेस को चलाने के लिए पहले भारत में चाय लाए और वो स्वयं बना बना करके पिलाने लग गए, और अपना बिजनेस चलाने के लिए उन्होंने क्या बोले? बोले जो व्यक्ति एक कप चाय पिएगा उसको एक रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? एक रुपया मिलेगा। हम तो बेवकूफ बन गए। बोले उसी समय एक रुपया क्या कीमत था? बोले एक रुपया मिलेगा और एक कप चाय मिलेगा। बोले भैया जो चाय दो चाय दो। कुछ दिन बाद में बोले देखो फिर तुम्हें 50 पैसा मिलेगा, तभी हमने पीना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद में बोले नहीं तुमको 25 पैसा मिलेगा, 25 पैसा कीमत था। बोले दो। कुछ जब हमारे नशा चढ़ गया ना, बोले अभी कोई पैसा नहीं मिलेगा, अभी कोई पैसा नहीं मिलेगा, नशा हो गया ना। बोले लो। कुछ दिन बाद में बोले 50 पैसा दो। कुछ दिन बाद में बोले 1 रुपया दो। कुछ दिन बाद में बोले 2 रुपया दो। कुछ दिन बाद में बोले 3 रुपया दो। कुछ दिन बाद में बोले 5 रुपया दो। अभी एक कप चाय कितना हो गया बोलो? 10 रुपए। अरे बोलो जोर से, 10 रुपए। देखो इतनी सी चाय हमें दिए और ठग करके हमसे 10 रुपया ले रहे। ये अंग्रेजी लोग 10 रुपया हमसे ठग कर ले दिया। एक अब एक ग्लास दूध पियो कितना पैसा में आएगा? 10 रुपया में। 10 रुपया में आपको एक पाव भर आपको मिलेगी दूध, एक ग्लास मिलेगी। उसको हम नहीं पी करके हैं, हम चाय इतने से लेकर के दिन में कितने बार पीते हो?
चार बार पांच बार कोई कोई पी लेते हैं, मतलब 50 रुपया तुम्हारी गई, 50 रुपया गई, 10 रुपया में ही घर में रोटी सब्जी बनाओगे ना तुम्हारे पेट भर जाएगी, भर जाएगी नहीं बताओ? 10 रुपया में घर में रोटी सब्जी दाल खाओगे पेट भरेगा कि नहीं? लेकिन हम 10 रुपया की चाय पी लेती हैं। अब इंटरनेट खोल करके देखो चाय पीने से क्या होता है, क्या तुम्हारी एसिडिटी बढ़ेगी, हजम शक्ति खराब होगी तुम्हारी, पेट में गैस बनेगी, इतने बीमारी का नाम गिनाएगा ना जो सोच नहीं सकते हो। जो खाली पेट में जो चाय पीते हैं इतने शरीर के लिए ये हानिकारक है भैया, इसलिए चाय अच्छी चीज नहीं। कोशिश करो दूध पिया करो, रामदेव बाबा का हर्बल टी पियो, गोकुल टी है, बहुत अच्छी अच्छी चीज चाय के विनिमय मिलता है जो हेल्थ के लिए तुम्हारी अच्छी है, इसलिए कोशिश करना जैसे चाय तुम्हारी छूट जाए, ठीक है? धीरे धीरे कोशिश करना कम 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 करने के लिए, एक ही नशा पियो, ठाकुर का प्रेम का ही नशा एक पीनी चाहिए, ठीक है? बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। इसलिए तीसरे जो चीज है, किसी तरह का जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। जीव हिंसा मतलब जैसे मांस मछली अंडा प्याज लहसुन नहीं ग्रहण करनी चाहिए। ये जो अंडा है ना, ये सफेद आलू, पहले ये अंडा फंडा कोई नहीं खाते थे। आप लोगों ने महाभारत युद्ध सुने होंगे, जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया, गांधारी धृतराष्ट्र दोनों कृष्ण के पास में गए, बोले कृष्ण ये बताओ ये 100 बेटों का मृत्यु हमें क्यों देखना पड़ा? कृष्ण उनको पूर्व जन्म की कथा सुनाई, बोले पूर्व जन्म में ये धृतराष्ट्र एक समय शिकार खेलने के लिए गया, अब इनको बड़ी जोर से भूख लगी, वो आहार ढूंढ रहा था, एक पेड़ को नीचे बैठ गया, देखा वो वृक्ष के ऊपर में कुछ चिड़ियाओं का घोंसला है, वो चे चे आवाज कर रहे थे, अभी वो पेड़ के ऊपर में चढ़े तो देखा सचमुच से चिड़िया का घोंसला है, और वहां अंडा था, उसने 100 अंडा खाए, और एक एक अंडा में एक एक बच्चा होता है, बोले तुमने 100 अंडा नहीं खाया, तुमने 100 बच्चों को तुमने खाया है, ये कृष्ण स्वयं कहते हैं, महाभारत पढ़ करके देखो। इसलिए इसी जीवन में तुम्हें 100 बेटों को तुमको मृत्यु तक ना पड़ा, ठाकुर जी कहते हैं। इसलिए ये सब चीज को ग्रहण नहीं करनी चाहिए। मांस, मांस मतलब क्या है? ये संस्कृत शब्द है, मांग मतलब मुझको, सह मतलब वह, मतलब अभी जिसको तुम खा रहे हो बाद में तेरे को फिर दो बार जो खाएगा, इसलिए मांस कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं मीट। कहते मीट का मतलब क्या है? मी ईट, ईट मी, मी ईट मीट है ना, मी ईट, मी मतलब मुझको, ईट मतलब खाना है, मुझको खाना बा ईट मी, अभी तो जिसको खा रहे हो बाद में फिर तेरे को दो बार जो खाएगा, क्योंकि जो पाप है ना वो अपना बाप को नहीं छोड़ता है, इसलिए कोशिश करना मांस मछली नहीं खानी चाहिए। ये भागवत में कथा थी, कहते एक सुरत नाम का राजा थे, वो यज्ञ में पशु वध करके उसका मांस खाते थे। एक दिन नारद जी से मिले, नारद बोले भैया ये क्या कर रहे हो? बोले यज्ञ में पशु वध करके उसको भोजन करता हूँ। बोले इसका फल क्या जानते हो? बोले क्या फल है? बोले तेरे को मैं दिखाता हूँ, देखो नारद जी उसको ऊपर में मंत्र पुत्र करके पानी छिड़काव करवाए, करते ही ये शरीर छूट गया, उसने देखा जमदूत उसको गले में काल फांस लगा करके उसको खींच करके ले जा रहे हैं, और जितने जानवर को उसने मारा था देखा सबके सब लाइन करके खड़े हुए और तलवार लेकर के। उसने पूछा भैया तुम लोग कौन है, कौन हो? बोले तुम्हारी याद है पहले जन्म में तुम हमको काट कर खाया था, अभी हम उसको प्रतिशोध लेने के लिए आए, उसको टुकड़ो टुकड़ो करके काट रहे थे, वो चीख रहा था छोड़ दो और नहीं और नहीं। बोले तुम जब हमें खा रहा था, देखो जो पाप है वो अपना बाप को भी नहीं छोड़ता है, कर्म फल किसको छोड़ता नहीं है, इसलिए इसी जीवन में। फिर नारद जी जब पानी छिड़काव कराए जिंदा हो गया, बोले तुमने क्या देखा? बोले जितने मैंने जानवर को खाया था सबके सब मेरे को बोटी बोटी करके काट रहे थे, अभी बताओ मैं तो सोच रहा था खा गया हो गया, मैंने देखा मेरे को छोड़ नहीं रहे थे, बोले बताओ क्या करनी चाहिए? बोले ये हिंसा छोड़ो, शुद्ध रूप में
भगवान की भक्ति करो, भजन करो, जो कुछ खाओ भगवान को भोग लगा कर खाओ और तुम्हारी कल्याण हो जाएगा। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए ये गंदी चीजों को त्याग दो, चार चीज को छोड़ो और जीवन में चार चीजों को जोड़ो। बोले भैया कौन सा चार चीजों को जोड़ेंगे? हाँ, क्या क्या चार चीज को जोड़ेंगे? पहला नंबर है एकादशी व्रत जरूर रखा करो, क्योंकि भागवत में केवल एक एकादशी की कथा आती है और कोई व्रत की कथा इसमें नहीं आती है। और जो एकादशी का जो अधिष्ठात्र देवता भाग्य भी आए, कितना जाप और कृपा हरि की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। जगत में तो 33 करोड़ देवता, कितने व्रत करोगे और कितने को मनाओगे, लेकिन एक बांके बिहारी अगर खुश हो गया और जितने देवता सब खुश हो जाए। इसलिए भागवत में केवल एकादशी की कथा आती है। मैंने आपको एकादशी की कथा सुनाया आगे, ये एकादशी व्रत नहीं, ये कल्पतरु व्रत है। मतलब एकादशी व्रत करके जो मांगोगे, स्त्री पुत्र परिवार धन दौलत रुपया पैसा है, दुनिया में जो कुछ मांगोगे ठाकुर जी सब इच्छाओं को ठाकुर जी पूरी कर देते हैं। एकादशी में ऐसे कोई चीज नहीं जो एकादशी तुम्हें दे नहीं सकता है। जो दूसरे दूसरे जो व्रत हैं वो एक एक फल को दे सकते हैं, लेकिन एकादशी आपको सब कुछ दे सकती है, सब कुछ दे सकती है। इसलिए पहले मैं आपको बहुत कथा सुनाई एकादशी की, कितने महिमा। हाँ देखो, कुछ लोगों का ये धारणा है भैया एकादशी करने पर उसको उद्यापना फिर करना पड़ता है। कहते हमारी भक्ति जगत में कोई उद्यापन का नाम नहीं है, जब तक तुम्हारी समर्थ है तब तक तुम एकादशी व्रत रखो, जब तुम कर नहीं सकते छोड़ दो। वैसे तो बताया 8 साल से लेकर के 80 साल तक करनी चाहिए, कंपलसरी है, लेकिन जब तक तुम्हारी समर्थ है तब तक करो, अगर नहीं कर सकते हो जरूरत नहीं। कोई कोई बोलेगा नहीं हमारी ये बीमारी हमें दवा खाना पड़ता है। ये देखो एकादशी का दिन केवल अन्न भोजन मत करो, फल मूल कुट्टू का आटा पकौड़ा आलू की सब्जी जितने तरह का दूध दही मिठाई सब कुछ खा सकते हो, हैं भले ही 2 बार 3 बार भी खा लो कोई दिक्कत नहीं, जो बीमारी में है खा लो, लेकिन एकादशी का दिन कभी अन्न भोजन मत करो। क्यों? एकादशी का दिन अन्न में गोहत्या नरहत्या ब्रह्म हत्या भ्रूण हत्या और पिता माता हत्या, जो 5 सबसे बड़ा पाप, ये एकादशी व्रत का दिन अन्न में आश्रय करके रहता है। जो एकादशी का दिन अन्न भोजन करेगा उसको सारे पाप उसको भुगतना पड़ता है, सारे पाप से बोले मुक्ति हो जाएगी, लेकिन एकादशी का दिन अन्न जो ग्रहण करेगा उसको कोई पाप से कोई उधार नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसलिए जरूर एकादशी व्रत करो, भले ही कोई व्रत मत करो कुछ होने वाले नहीं। जैसे सोम है, कोई मंगल कोई बुध करते हो, ये अलग अलग देवादेवी के लिए है, लेकिन भगवान विराट रूप दिखाया। देखो अर्जुन, जिसको तू शंकर कहते हो शंकर मेरे में, जिसको देवी कहते हो मेरे में, जिसको हनुमान कहते हो मेरे में, जिसको गणेश कहते हो मेरे में। हे अर्जुन, मेरे को छोड़ करके दुनिया में कोई परतत्व तो नहीं। इसलिए जैसे पेड़ का जड़ में पानी देने पर पूरा पेड़ हरा भरा रहता है, जब बांके बिहारी खुश हो जाए विश्व ब्रह्मांड में जितने देवता सबके सब तुम्हारे पर में प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है ना। सबके सब जरूर सी एकादशी व्रत करियो। और दूसरे दिन एक व्रत का टाइम ही होता है, इसके अंदर में व्रत खोलनी चाहिए। यहाँ पर हमारे सब गुरु भाई बहन बहुत हुए, इनसे अगर आप लोग हैं इनसे आप समय लेकर के नाम दे दोगे आपको व्हाट्सएप में भेज देंगे कब एकादशी कब व्रत खोलनी चाहिए। दूसरे दिन समय में व्रत खोलना होता है, एकादशी व्रत करना। के दूसरे चीज क्या है, हर घर घर में ठाकुर जी की जरूर पूजा होनी चाहिए, घर में ठाकुर होनी चाहिए। किसकी किसी घर में ठाकुर जी है, हाथ उठाओ किसको किस घर में ठाकुर जी है। हाँ, इतने घर में कोई हाथ नहीं उठा रहे, क्या चक्कर है, हैं इतने लोग घर में, सबके घर में जरूर ठाकुर हुआ। देखो एक उदाहरण देकर समझाए,
जैसे अपना शरीर को सजाओ, सुंदर करके अपना शरीर को सजाओ। आप शीशा को सामने खड़े हो जाओ, देखना जैसे शरीर को सजाओगे तुम्हारी परछाई भी सज जाएगी। परछाई को सजाने का जरूरत नहीं, अपना शरीर को सजाओ। इसका मतलब है आप देखना जितने सुंदर बांके घर में लड्डू गोपाल जरूर हो, राधा कृष्ण हो, लड्डू गोपाल हो, जरूर घर में होनी चाहिए। आप स्वयं देख लेना जितने सुंदर तुम ठाकुर को सेवा करोगे, जितने सुंदर तुम ठाकुर को सजाओगे तो अपने आप सज जाओगे, तुम्हारी घर अपने आप सज जाएगी, हैं? अपने आप सज जाएगी। अगर ठाकुर को सेवा नहीं कर रहे हो, ठाकुर को सेवा नहीं कर रहे हो घर में, दुनिया की सेवा कर रहे हो, दुनिया की तुम सेवा कर रहे हो, ठाकुर जी की सेवा नहीं कर रहे हो। पैसा का एक नाम लक्ष्मी, वो लक्ष्मी नारायण का है। अगर वो ठाकुर को सेवा में नहीं लगेगी ना, देखना घर में शांति सुख नहीं देगी। भले ही तुम्हारी घर में करोड़ रुपया आ जाएगी, अगर तुम ठाकुर को सेवा नहीं कर रहे हो। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं राम विमुख कभी सुख नहीं पावा। भगवान से विमुख होकर के रावण जैसे व्यक्ति को भी शांति सुख नहीं मिली। अगर घर में शांति सुख पाना चाहते हो जरूर घर में ठाकुर जी का रखो, जो कुछ खाओ ठाकुर जी को पहले तुलसी पत्ता से भोग लगाओ, बगैर प्याज लहसुन के भोग लगाओ। पहले मैंने बताया था प्याज लहसुन क्यों नहीं खानी चाहिए, ये गैया की मांस से ये प्याज बना हुआ, और जो लहसुन गैया की हड्डी से बना हुआ है, और मसूर का दाल गैया की खून का बूंद से बनी हुई है। इसलिए देखना नवरात्रि में नवरात्रि करते होंगे, देखना 9 दिन तक तो कोई भी ये प्याज लहसुन घर में नहीं खाते हैं। कारण क्या है, इसका सृष्टि गंदी चीज से इसकी सृष्टि हुई है, ठीक है। इसलिए घर में जरूर ठाकुर को सेवा पूजा करो। देखो एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। बोले एक समय अयोध्या में कोई एक संत रहते थे, उनका एक छोटा शिष्य था, एकदम बच्चा था, 10 साल का बालक, उसका नाम था रामदास। एक दिन गुरुजी, उनका राम दरबार था, गुरुजी ने कहा रामदास मेरे को कुछ दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा, तुम ठाकुर को सेवा कर लोगे? बोले पिता, बोले गुरुजी अगर आदेश करेंगे तो जरूर सेवा कर लूंगा। बोले देख बेटा ठाकुर को बढ़िया से खिलाना, ठाकुर को बहुत बढ़िया, ठाकुर जी को बढ़िया से सेवा पूजा करना। बोले पिताजी कोई चिंता मत करो। गुरुजी चले गए, लेकिन वो छोटा बच्चा था, वो कभी देखा नहीं ठाकुर को कैसे खिलाते हैं, मन सरल है। अभी उन्होंने रोटी सब्जी बनाई, ठाकुर को सामने धर दिया, ठाकुर जी, गुरु जी बाहर गए, बोले ठाकुर को अच्छे तरह से खिलाना पिलाना, अब आओ बैठो और भोजन करो। लेकिन उसने कभी देखा नहीं गुरु जी कैसे भोग लगाते हैं, वो ये सोचता था जैसे हम बैठ कर खाना खाते हैं ना, ठाकुर भी ऐसे खाना खाते हैं। लेकिन देखा भगवान राम दरबार, लेकिन ठाकुर जी उतर करके भोजन ही नहीं कर रहे। बोले ठाकुर जी आप क्या नाराज हो मेरे ऊपर में, रोज तो गुरु जी के हाथ में खाना खाते थे, और गुरु जी बोले अच्छे तरह से खिलाना, नहीं तो गुरु जी गुस्सा करेंगे। इसलिए ठाकुर जी आओ उत्तर खाओ। तब भी देखा ठाकुर जी उत्तर करके खाना नहीं खा रहे। बोले अगर आप खाना नहीं खाएंगे ना, आप लोग अयोध्या गए हो, वहां पर सरज नदी है, बोले अगर नहीं खाएंगे तो ये सरज में मैं आत्महत्या कर दूंगा। अब उसने आत्महत्या करने के लिए गया, देखो ठाकुर जी मचल गए, ठाकुर जी हिल गए इसकी भावना देख करके। बोले हनुमान जी जल्दी जल्दी जाओ उसको पकड़ करके लाओ, जाओ जल्दी पकड़ करके लाओ। अभी वो छलांग लगाने वाला था और भगवान हनुमान जाकर पीछे से पकड़ लिए। बोले देखो ठाकुर जी खाना खा रहे हैं, खा रहे हैं। बोले हाँ आया तो देखा भगवान राम पहले भोजन की, फिर मैया सीता, उसको बाद में लक्ष्मण शत्रुघ्न, फिर हनुमान जी बाद में खाए, और उसने बाद में खाए। इतने में जब 2-4 दिन गया ना, बोले ठाकुर जी मेरे से और इतना हो नहीं पा रहा है, अकेले ले भिक्षा करके लाओ, फिर लकड़ी लाओ, फिर रसोई बनाओ, फिर पत्तल लाओ, फिर भोजन कराओ, मैं अकेला कितना करूंगा बच्चा। ठाकुर जी बोले चिंता क्यों करते हम है ना, बताओ। भगवान राम बोले बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। बोले आप तो घर का मालिक पिता हो, आप थोड़ी सी पत्ते और दोना बना दो। बोले ठीक है। मैया सीता बोली बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। बोले आप तो घर की मैया, मैया क्या करती है, खाना बनाती है, इसलिए आप खाना बना देना। भैया भैया वनवास में तो यही काम किया। लक्ष्मण बोले भैया मुझे क्या करना। बोले थोड़ी सुखी सुखी लकड़ी जंगल से ले आना। बोले भैया 14 साल के लिए तो मैंने यही काम किए। हनुमान जी बोले बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। बोले आप थोड़ा रखवाली करना, देखभाल कर लेना,
बोले कोई चिंता मत करो, सारे सेवा मैं कर दूंगा। अभी केवल वो भिक्षा करके लाता है, मैया सुंदर खाना बनाती है और बड़ा सुंदर सेवा चल रहा है। कुछ दिन बाद में गुरुजी का पत्र आया, लेटर आया, बोले गुरुजी, गुरुजी बोले रामदास मेरे साथ में कुछ संत आ रहे हैं, नहीं हुआ नहीं हुआ कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, बस वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय श्री राम। इतने में गुरु जी का लेटर आया, बोले बेटा रामदास मेरे साथ में कुछ संत आ रहे हैं, केवल एक टाइम के लिए भोजन का व्यवस्था कर देना, मैं आकर के सब देख लूंगा। उसने मैया सीता को बोली, बोले मैया गुरु जी की लेटर आया है, गुरु जी को साथ में कुछ संत आ रहे हैं, कहते एक टाइम के लिए भोजन की व्यवस्था कर देना। बोले बेटा कोई चिंता मत करना, तू ज्यादा करके भिक्षा ले आना, मैं बना दूंगी। पूरे दिन चलेगा क्या? इतने में उसने गुरु जी के पास में पत्र भेज दिया, बोले गुरु जी कोई चिंता मत करो। मैया ने बोली थोड़ा ज्यादा भिक्षा ले आओ, मैं खाना बना दूंगी। और भगवान राम बड़े सुंदर दुना पत्ते बने देते हैं, और लक्ष्मण भैया रोज सूखे सूखे लकड़ी ले आती हैं, और श्री हनुमान भैया तो सारे सेवा कर लेते हैं। गुरुजी बढ़िया ठाकुर का सेवा चल रहा है, जितने संत लाना चाहते हो साथ में आओ। अभी गुरुजी लेटर पढ़ करके बोले ये पागल क्या कह रहा है, मैया सीता भोजन बना रहे हैं, लक्ष्मण भैया लकड़ी ले आती, क्या गुरुजी को तो पता नहीं क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। इतने में गुरुजी तो डरते डरते आए, छोटा बच्चा पता नहीं क्या करेगा नहीं करेगा। जब गुरुजी आए ना, सचमुच से देखा पूरा घर घर में खाना भरा हुआ है, घर में पूरा खाना भरा पड़ा हुआ घर में। बोले भैया इतने खाना किसने बनाए? देखा कोने में बैठी करके मैया सीता स्वयं भोजन बना रही थी मैया। अभी गुरु जी को देख करके माता सीता जी थोड़ी सी मीठी मीठी मुस्कुरा करके कोई अंतर ध्यान हो गई। गुरु जी ने पूछा बेटा ये क्या है? बोले गुरु जी जब आप चले गए ना, ठाकुर तो भोजन कर ही नहीं रहे थे, मैंने कहा अगर भोजन नहीं करेंगे तो सरोज में प्राण त्याग दे दूंगा। फिर हनुमान भैया पकड़ करके लाए, तभी से भगवान राम सुंदर दोने पत्ते बना देते हैं, लक्ष्मण भैया लकड़ी ले आते हैं, और मैया सीता तो रोज रोज छापान भोग और छत्री से व्यंजन बनाती। पिताजी गुरुजी बड़ी सुंदर सेवा चल रहा है। गुरुजी तो सुन सुन कर दंग रह गए, बोले धन्य तेरा जीवन है, धन्य तेरा जीवन है,
तेरे जैसे शिष्यों को पा करके मेरे जीवन धन्य हो गया है। देखो इसलिए कहते हैं ना, कोई कहते हैं भगवान आते नहीं, बोले द्रौपदी जैसे तुम बुलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान खाते नहीं, बोले सबरी के जैसे तुम खिलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान सोते नहीं, मैया जसोदा जैसे तुम सुलाते नहीं। कोई कहते हैं भगवान नाचते नहीं, ब्रज गोपियां जैसे तुम। ठाकुर जी सब कुछ करते हैं, अगर हम ऐसे भक्त होने हमें चाहिए, फिर ठाकुर जी सब कुछ हमारा लिए करेंगे। इसलिए घर में जरूर तुम ठाकुर को जरूर घर में रखो। ठाकुर को सेवा नहीं करोगे ना घर में, कभी तुम्हारी घर में शांति सुख नहीं होगी। जिसने तुम्हें दुनिया दिया, जिसका दुनिया सब कुछ जिसका, उसको तुम भूल कर बैठ गए हो। देखो और एक चीज समझो, संसार में अच्छे तरह से समझो, संसार में हम जो कुछ करते हैं ना, अपना लिए कम करते हैं और दूसरों के लिए सब कुछ करते हैं। जैसे पति को कैसे खुश रखे, बच्चे के कैसे खुश रखे, सास के कैसे खुश रखे, ससुर को कैसे खुश रखे, ननदों के, इसलिए करते ना कि नहीं बताओ? अपना लिए बहुत कम करते हो, सब प्राय करके दूसरों के लिए करते हो। आपसे मैं प्रश्न करता हूँ, सारा जीवन तो दूसरों के लिए करते हो, अभी तुम्हारे ऊपर घर में कोई खुश है बता दो? तुम्हारे ऊपर में घर में कोई तुम्हारे ऊपर क्या खुश है? देखना तुम्हारे पीछे तुम्हारी चुगली करते हो। जगत में किसी को खुश नहीं कर सकते हो, बल्कि बदनामी देने वाले। लेकिन हमारे बांके बिहारी ऐसे नहीं, सुदामा की दो मुठ चिड़वा खा कर त्रिभुवन राज्य दे देते हैं। भगवान की अंगुल कट गई, द्रौपदी ने थोड़ी सी साड़ी पहाड़ करके बैंडेज कर दी। ठाकुर जी सोच रहे हैं कब मेरे को मौका मिले, कब इसका ऋणी उतारे, कब इसका मैं ऋणी उतारूं। जिसकी पांच पांच पति थे, एक पति नहीं, सर्वश्रेष्ठ गांडीवधारी, सर्वश्रेष्ठ गदाधारी, भालाधारी, लेकिन जब विपत्ति आई ना, कोई भी रक्षा करने वाले नहीं आए। द्रौपदी बड़ी डींग हांकती थी, मेरे पांच पांच पति, अमुक हो जाएगा अमुक हो जाएगा, विपत्ति में कोई नहीं आए। केवल एक आश्रय दिया किसने? श्री बांके बिहारी, वही केवल लाज रखे। इसलिए हर घर में क्या हो, हर घर घर में ठाकुर जी की पूजा हो, ठीक है? जिसके घर में ठाकुर नहीं, जरूर ठाकुर जी को रखो, ठाकुर को सेवा पूजा करो, उनकी आशीर्वाद से ही घर में शांति सुख रहेगी, ठीक है ना? तेरी बाकी अदा बाकी बिहारी, ओ मेरे बाकी बिहारी, 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 बाकी बिहारी, देख देख के बाकी चल को देख देख के, जग है तेरी बाकी तेरी बाकी बिहारी, तेरी तेरी चिन्ह तेरी तेरी छियादा बाके बिहारी, पंद्रह तारीख को बरसाना जाएंगे, हमारे भक्त लोग बरसाना जाएंगे एक दिन के लिए, बरसाना नंदगांव, वहां पर गिरिराज गोवर्धन, यहां से सवेरे 5 बजे निकलेगी बस, आपको पूरा दर्शन कराते हुए फिर आपको यहीं पर अपना पढ़ाई कैसे हो, गलत रास्ता में नहीं जाए, इसलिए यहां पर बता रहे थे ना वो बच्चों को कुछ सेमिनार देंगे, इसलिए यहां पर
वहां पर कुछ बच्चे बैठे हैं, वो अगर आपका नाम व्हाट्सएप नंबर दे जाएंगे तो वो आपको बताएंगे। आपको बच्चों के लिए फ्री, कोई पैसा पैसा की जरूरत नहीं, वो फ्री आपको बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षा देंगे, जैसे आपका बच्चे अच्छे संस्कारी बने, घर में अच्छे रास्ता पर चले, सबका आदर दे वहां पर है आप लोग। और हम लोग जो बद्रीनाथ में ये भागवत कथा होगी, कहते जैसे आप लोग यहाँ कथा सुने ना, जहां पर श्री व्यास देव जी ने ये भागवत ग्रंथों को जहां पर लिखे हैं वो श्री बद्रीनाथ है। कहते यहाँ पर कथा सुनने का जितने पुण्य है, अगर बद्रीनाथ में कथा सुनोगे तो हजार गुण पुण्य है। ठाकुर जी वहां पर तपस्या नर नारायण रूप में कर रहे हैं, एक बार बद्रीनाथ को कोई दर्शन कर ले, उसको ठाकुर जो तपस्या कर रहे हैं उसका छठवां भाग का फल आपको मिल जाएगा। इसलिए हम लोग जून 5 तारीख से लेकर के जून 5 तारीख से हम वहां पर भागवत कथा होगी। इसलिए जो जाना चाहते हैं आप जाने के लिए अगर चाहते हो आप जा सकते हो, लेकिन वहां आपके लिए प्रसाद की व्यवस्था फ्री है, जहां कथा होगी वहां पर स्थान फ्री है, लेकिन केवल आपको जाने का किराया चाहिए। अगर साधारण रूप में रहोगे तो वहां पर कुछ व्यवस्था हो सकती, अगर बढ़िया जगह में रहोगे तो फिर अपना पैसा से आप रहना, केवल रहना, और आपके लिए इस कथा जहां पर होगा वो भी फ्री, और जो प्रसाद वो भी फ्री है, कोई पैसा लगेगा नहीं, लेकिन आपको जाने का, अगर बढ़िया जगह पर रहना चाहते हो फिर रह सकते हो अपना पैसा देकर, लेकिन साधारण जगह में रहोगे तो फिर आपके लिए कुछ व्यवस्था हम कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रसाद सब फ्री है। जो जाना चाहोगे, हमारी जीत प्रभु यहाँ पर बैठे हुए हैं, हाँ पहले अगर आपने नाम दे दोगे ना तो आपके लिए खाने के लिए रहने के लिए व्यवस्था को हम कर सकते हैं। जो जाना चाहते हो आप जा सकते हो और वहां पर भागवत कथा सुन करके और दर्शन करके बद्रीनाथ को आ सकते हो, ठीक है। इसलिए और वहां पर बैठे जो बरसना जाना चाहते हो जा सकते हो। और जो चौथा चीज है सुन लो, फिर अभी अनाउंस मेट करेंगे, अभी रुक्मिणी कृष्ण आएंगे, आज थोड़ी सी ज्यादा समय हो जाएगा, थोड़ी बैठो, कि तो आज का दिन जो कथा सुनोगे ना पूरा कथा। और कल है यहाँ पर यज्ञ है, कल यहाँ पर यज्ञ कितने बजे यज्ञ होगी? 9 बजे यज्ञ। ये जो यज्ञ है वैष्णव होम है, अपना घर से थोड़ा घी हो, नहीं तो कोई गोला हो, नहीं तो हवन सामग्री हो ले आना, क्योंकि जो यज्ञ है नरसिंह मंत्र से फिर नारायण को अवश्य यज्ञ होगी। जैसे तुम्हारी घर में कोई काल सर्प का जो कोई उल्टा पुल्टा ग्रह कोई उल्टा अगर वो लेकर के आओगे उसमें आहुति दोगे वो सारे तुम्हारी जो ग्रह पीड़ा ये सब खत्म हो जाएगी। कल सवेरे 9 बजे यहाँ पर यज्ञ है और कल यहाँ सभी के लिए प्रसाद का भी, सभी के लिए प्रसाद की भी व्यवस्था है। और देखो जैसे कथा समाप्त हो जाएगी आप भी जाओगे मैं भी जाऊँगा, लेकिन हमारे 12 सेक्टर में मंदिर ही है, हाँ वहाँ पर राधाष्टमी जन्माष्टमी और अभी 13 तारीख को प्रभुपाद का शाम को कितने बजे 5 से 8 तक वहाँ पर बड़े सुंदर उत्सव होता है 12 सेक्टर में। यहाँ पर गुरु भाई बहन बहुत बैठे हुए है, 13 तारीख को वहाँ पर मैं भी रहूंगा, हमारे जो गुरु जी की तिथि मनाई जाएगी बहुत अच्छे रूप में, और वहाँ पर बड़े बड़े उत्सव जन्माष्टमी बहुत अच्छे तरह से पालन होता है। इसलिए आप लोग अगर वहाँ पर जाओगे फिर जुड़े रहोगे, भक्ति धीरे धीरे बढ़ते रहेगी, आप जरूर आना वहाँ पर। और वहाँ पर कुछ पुस्तक बिक रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी पुस्तक है, ज़्यादा कोई पैसा नहीं, बहुत छोटे 10 रुपया 15 रुपया 20 रुपया में छोटी छोटी ग्रंथ है। अगर वो ग्रंथों को लेकर अगर बच्चों को पढ़ाओगे, बच्चे पढ़ेंगे, तुम भी पढ़ोगे, घर में न्यूज़ पेपर आता होगा पहला दिन दूसरे दिन में ख़त्म, लेकिन वो ग्रंथ जब तक रहेगा तब तक तुम्हारी कल्याण होगा। अगर किसी को हाथ में भी ग्रंथ पड़ गया तो अगर पढ़ेगा तो तुम्हारे जीवन धन्य हो जाएगा। प्रेम का रास्ता क्या है, जीवन में शांति सुख कैसे मिले, बड़ी सुंदर सुंदर ग्रंथ है, आप लोग जरूर एक एक ग्रंथ जरूर लेकर के जाना, ठीक है ना, वो बड़ा कीमती चीज ग्रंथ है, वही ग्रंथ ही तुम्हारे पास में रहेगा। हाँ देखो जो चौथा जो चीज है, कृष्ण रुक्मिणी तैयारी है प्रभु जी, कृष्ण रुक्मिणी तैयारी है कि नहीं, तैयारी है ना, ठीक है 2 मिनट बाद में ले आना। हाँ देखो जो चौथा चीज भागवत से लोगे ये सबसे कीमती चीज है, क्या लेकर जाओगे, ठाकुर जी का नाम, क्या लेकर के जाओगे, हाँ क्योंकि जो भागवत शुरुआत हुई ना भगवान का नाम से शुरुआत हुई, और जो भागवत समाप्त हो गई नाम से शुरू हुई। आप मेरे पीछे पीछे एक श्लोक बोलो, जो श्लोक बोलने से पूरी भागवत कथा का जो सार मिल जाएगा, यही भागवत का अंतिम श्लोक है। मेरे पीछे पीछे सबके सब बोलना,
बोले नाम संकीर्तनम जस्य, नाम संकीर्तनम जस्य, कोई बोल नहीं रहे हो जोर से बोलना, बोले नाम संकीर्तनम जस्य, नाम संकीर्तनम जस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणाम दुख समनम, प्रणाम दुख समनम, प्रणाम दुख समनम, प्रणाम दुख समनम, स्तम नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम, स्तम नमामि हरिं परम, नमामि हरि परम। इसका मतलब होता है ठाकुर जी का नाम लेने से जीवन का सारे दुख कष्ट सब दूर हो जाएगा ठाकुर जी की नाम लेने से। और भागवत का जो सार है ये ठाकुर जी के नाम ही ये भागवत का सार है। हम लोगों ने कितने दिन तक कथा सुनी है जोर से बोला, हाँ। कहते ये 7 दिन क्यों कथा सुनी, ये 8 दिन 9 दिन क्यों नहीं है, इसका क्या रहस्य है? एक छोटी सी स्टोरी सुन लो फिर कृष्ण रुक्मिणी आएंगे फिर प्रसाद लेकर जाना। इसलिए देखो एक समय कोई संत किसी राज दरबार में गई, वहां पर पूछा घर में राजा है, बोले है, बोले बोलो कोई संत मिलने के लिए 1 मिनट कोई जरूरी बात करना चाहते हैं। राजा सोचे भैया संत क्यों आए, आए भिक्षा के लिए पैसा के लिए, उन्होंने 5-1 रुपया भेज दिया, बोले संतों को दे देना। संत बोले भैया पैसा लेने नहीं, मैं तो मिलना चाहता हूँ 1 मिनट ही। राजा सोचे मन नहीं भरा, 1001 रुपया भेज दिए, संत तभी नहीं लिए, बोले मैं तो 1 मिनट बात करना चाहता हूँ। राजा बोले भैया मेरे पास में कोई समय नहीं संत से मिलने के लिए। राजा संत तो दुखी होकर रानी को पास में पहुंचे, रानी को पास में जब खबर पहुंचा कोई संत आपसे मिलने के लिए आए हैं, सुनते ही खुश हो गए, बोले बाबा को बुला करके लाओ, बड़े भाग्य से संत दर्शन मिलता है। संतों को आसन दे करके बैठाए, बोले बाबा आपकी क्या सेवा करूं, बोले महारानी मैं तो कोई जरूरी काम लेकर के आया था, राजा मेरे से मिले नहीं, बोले मेरे को बोलो मैं सेवा कर दूंगी। बोले महारानी आप ध्यान दे करके सुनो, बोले बताओ, बोले मैंने तपस्या करते करते दिव्य दृष्टि से देखा जो राजा है ना ये 7 दिनों में मरने वाला, कितना दिनों में मरने वाला, कितना दिनों में। राजा तो रानी तो सुनकर घबरा गई, अभी अभी घर में नई बहू आई, अभी अभी शादी हुई, अगर कोई बोले तुम्हारी पति 7 दिन में मर जाएगा बताओ क्या होगा। रानी घबरा गई, बोले बाबा क्या सच है, बोले ध्रुव सत्य है, राजा को ये बात बताते ना, मैं तो जा रहा हूँ। रानी एक दासी को बोले जल्दी जल्दी राजा को बुलाओ, अभी अभी रानी बुला रही है। देखो संत गिड़गिड़ा तो हुए चले गए, 1 मिनट समय नहीं मिला, लेकिन जब सुना रानी बुला रही ना सब चीज को छोड़ छाड़ कर भागे। इतने में राजा बोले ऐसे कौन सा बात पड़ गया, अभी अभी तो मैं ऑफिस में गया था, बोले आपको पास में कोई संत मिलने गए थे, बोले हाँ, बोले आप उनसे मिले, बोले मैं तो राजकार्य में व्यस्त था। बोले महाराज जब भगवान की कोई विशेष कृपा होती है तब कोई संत दर्शन होता है, कोई संत आए समय नहीं मिला, मैंने बुलाया तो भागते भागते आ गए। बोले बताओ तो बात क्या, बोले बात तो बड़ी गहरा बात है। वो संत ने बताए अपना दिव्य दृष्टि से देखा आप 7 दिन में मरने वाले हो। राजा तो सुनते घबरा गए, बोले क्या बोल रहे हो, बोले हाँ यही तो बात है, बोले बाबा गए कहाँ, बोले अभी अभी चले गए, बोले जल्दी जल्दी बाबा को बुला करके लाओ। बाबा थोड़ी दूर गए थे, अभी बाबा को पकड़ करके लाए। संत ने चरण में गिर पड़े, बोले बाबा मेरी अपराध हो गई, आपने बताया मैं 7 दिन में मरने वाला, बोले हाँ, बताइए क्या सच है, बोले ध्रुव सत्य है, 7 दिन में आप जरूर मरोगे। राजा तो घबरा गए, बोले आप घबरा मत, आपने बहुत पुण्य किया है इसलिए आपके लिए अक्षय स्वर्ग मिलेगा। लेकिन महाराज स्वर्ग में सारे सुख तो मिलेगी लेकिन एक कमी, बोले किस चीज की, बोले वहां पर बहुत बड़े बड़े मच्छर रहते हैं, रात को जब सोगे ना ये आपको काटते रहेंगे, सोने नहीं देंगे। बोले बताओ फिर क्या, बोले चिंता मत करो वहां मच्छरदान का व्यवस्था भी है लेकिन और एक चीज की कमी, बोले किस चीज की, बोले उसका कोने में एक छेद है उधर से मच्छर घुस सकते। बोले फिर, बोले फिर क्या, जब आप मरोगे ना एक सुई धागा साथ में ले चलना। बोले महाराज जब मरेंगे तो यहीं पर जला देंगे, एक सुई धागा कैसे ले जाएंगे। बोले क्यों, इतना बड़ा राज्य एक संत मिलने के लिए आए, तेरे पास में 1 मिनट का फुर्सत नहीं हुआ, जिस राज्य में इतने बिजी और यहाँ से एक सुई धागा नहीं ले जाकर जा सकते हो। बोले कैसे सुई धागा ले जाएंगे, जला तो यहीं देंगे हमें। बोले तेरे को पता है एक सुई धागा भी नहीं जाएगा, बोले दुनिया को पता है। बोले महाराज
मैं आपको इतनी सी बात बताना चाह रहा था, जब ये संसार से जाओगे ना, जिस राज कार्य में तुम इतने बिजी हो, जब इसी संसार से जाओगे, एक सुई धागा भी तेरे साथ में जाने वाला नहीं, तेरे को यही सब छोड़कर जाना पड़ेगा। बोले महाराज ध्यान देकर सुना, देखो आप लोग भी ध्यान देकर सुनो, इसमें एक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। बोले महाराज मैंने आपको ये नहीं बताया था 7 दिन के बाद में मर जाओगे, मैंने ये नहीं बताया था। क्या बताया था? 7 दिनों में मरोगे। दिन 7 ही होता है, दिन 8 नहीं होता। रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, दिन 7 है। जब कोई मरेगा ये 7 दिनों में एक ना एक दिन उसको मरना पड़ेगा, लेकिन जब मरोगे यहाँ से एक सुई धागा भी तेरे साथ में नहीं ले जाएगा, सब तेरे को यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। तब संत ने बताया, ये बताओ जब शरीर छोड़ोगे, जब 4 व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं, बताओ क्या बोलते बोलते ले जाते हैं? कहते हैं राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा, यही बोलते हैं ना। बोले इसका मतलब क्या है? बोले जितने राम का नाम कृष्ण का नाम ले रहे हो वही सच्चा, और जितना बीवी बच्चे दुनियादारी कर रहे हो सब झूठा है, ये सब झूठा है, ये सबके सब सच्चा किया है ठाकुर का राम नाम ही सच्चा। इतने में संत ने बताया, ये बताओ तुमने झूठे में कितने समय दे रहे हो और सच्चे में कितने समय दे रहे हो? मैं तुमको इतनी सी बात बताने के लिए आ रहा था महाराज, अब 7 दिनों में मरोगे, 7 दिन बाद में नहीं। जब ये बात बताया ना, उसको 2 बार फिर प्राण आ गया, 2 बार प्राण आ गया, उसका चेतना जग गई। अब मेरे तरफ में देखो, इन्होंने बाबा को, उन्होंने बाबा ने राजा को इसके माला और एक उन्होंने झोली पकड़वाई। बोले महाराज सवेरे नहा धो करके ये जिसके लिए ये मानव शरीर दिया, किसके लिए मानव शरीर दिया? ठाकुर जी गोस्वामी जी कहते हैं आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपाल। कोई शास्त्र नहीं कहता है घर गृहस्थी करने के लिए आए, हर शास्त्र एक ही बात कहता है, श्रुति सिद्धांत यह उरुगारी, भजिए राम सब काज विसारी। कहते सारे काम को छोड़कर राम का भजन करो, आए थे हरि भजन को, कोई नहीं कहता है घर गृहस्थी करने के लिए तुम आया था, क्योंकि ये मानव शरीर नहीं। भगवान राम अयोध्या वासियों को समझाते हैं, साधन धाम मोक्ष करे द्वारा पाई न जई परलोक सबरा, ये मानव शरीर नहीं, 84 लाख जन्म के बाद में एक बार मिला, इसी जीवन में ही हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, इसी शरीर से ही भगवान की भक्ति हो सकती है, और कोई भी भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हैं, राम नाम केवल ये एक मानव ही कर सकता है। जानवर को किसको पूछो राम राम कृष्ण कृष्ण बोलो, कोई बोल सकता है? कोई नहीं बोल सकता है, कि इंसान ही बोल सकता है। इसलिए महाराज ये मुक्ति का द्वार भगवान तुमको दिया, अगर ये जीवन में सारे कर्तव्य कर दिया लेकिन भगवान की भजन नहीं किया, लास्ट में 0 गोल आलू मिलेगा, क्योंकि अंतिम समय में यही तो बोलेंगे राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा। जब झूठे में इतना समय देते हो, क्या सच चीज में नहीं दे सकते हो? इसलिए सवेरे नहा धो करके गुरु जी कहते थे सब काम छोड़कर के भोजन करो, 1000 काम छोड़कर काम करो और करोड़ों काम छोड़कर भजन करो, क्यों? ये जीवन भजन के लिए प्रभु ने दिया। जब उन्होंने ये बात बताया ना, राजा का बुद्धि खुल गई, तब वो संत ने ऐसे के माला एक झोली पकड़ा राजा को, राजा का जीवन बदल गया, उसने तब से भगवान के भजन में लग पड़े। इसलिए देखो 7 दिन तक कथा सुनी, अपने कथा सुनी कि नहीं सुनी का प्रमाण क्या है? अगर तुम्हारी भगवान का नाम में रुचि हो गई ना, समझना तुमने कथा सुनी, अगर प्रभु का नाम नहीं किया ना, समझो आए और गए। आए बताए ना, 3 तरह का श्रोता, इधर सुने और उधर निकाल करके चल गए, कुछ यहाँ से लेकर नहीं गए। इसलिए जिनकी इच्छा होगी, हम माला जप करना चाहते हैं, यही भागवत का सार है। अंतिम समय में कुछ तो भक्त लोग हमारे गुरु भाई बहन बैठे हुए, कुछ आज हमारे मंदिर में आए थे, सब माला लेकर के मंत्र लेकर के आए, जिसकी इच्छा होगी हम भी माला जप करेंगे। अगर लास्ट तक रहोगे आपको एक एक माला में दूंगा, भजन करने के लिए माला लेकर के जाना और भक्ति करना, जब ठीक ठीक करोगे फिर गले में तुलसी गड्ढी भी दूंगा बाद में, और तुलसी माला भी दूंगा लेकिन बाद में दूंगा। अगर आज आपको एक एक नीम का माला दूंगा, उसको ले मोती नहीं, एक एक गोपी है, ये बीच में राधा कृष्ण को रख करके रास कर रहे हैं। जब हम माला जप करते हैं
ये अंगुल को बाहर निकालते हैं, क्यों? ये गंधा अंगुल, ये सबसे पहले ये निकलता है, तेरे को मैं देख दूंगा, बोलते ना तेरे को मैं देख लूंगा, इसलिए ये अंगुल को बाहर निकालते हैं। और ये बीच वाले अंगुल में रख करके जैसे हरे कृष्ण बोले मेरे साथ में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसमें एक मत सरकाते हैं, फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, दो माला तीन करते करते जब यहाँ समाप्त हो जाए, ये अंगुल को हम पार नहीं कराते हैं, फिर ऐसे घुमा देते हैं, घुमा करके फिर दूसरी बार करते हैं। इसलिए आप लोग कोशिश करना नहा धो करके एक माला हो दो माला जितना तुम्हारी संभव होता है करना, इसके लिए कोई नियम नहीं। जैसे माताएं कभी अपवित्र रहती हो लेकिन ये माला कर सकती हो, जैसे बिस्तरा में नींद खुल गई तभी भी बैठ कर कर सकती, इसमें कोई नियम नहीं। लेकिन कोशिश करना खाने से पहले कुछ माला करने के लिए, जब जब तुम्हारी समय मिलेगा, अपना फ्री, बच्चे पति काम में चले गए, घर में बैठी हो, फजूल का निंदा चुगली करके उसने बहू ऐसे बेटी कर रहे हैं, छोरी कर रहे हैं, ये सब गंदी बात को छोड़ करके भगवान का नाम लोगे उसमें कल्याण होगा। देखो उसमें हरे, अब क्या हम संसार में बड़े दुख कष्ट पा रहे हैं, अगर हरे नाम लोगे ना तुम्हारी सब दुख कष्ट दूर हो जाएगी। कृष्ण मतलब होता है जैसे हमारा मन भटकता है कभी कभी इधर उधर, अगर क्री बोलोगे तुम्हारी भटकते हुआ मन भटकेगा नहीं, वो खींच करके ले आएगा। स्ना मतलब आनंद देगा, राम मतलब क्या, जीवन में जो आराम, जीवन में जो शांति सुख देता है, अगर ये नाम करोगे ना आपका तीन फल मिलेगा, दुख कष्ट दूर होगा, चंचल मन भटकेगा नहीं, जीवन में शांति सुख मिलेगी। इसलिए जिनकी इच्छा होगी लास्ट में तो मैं एक एक माला दे दूंगा, अब घर में लेकर आप भी करना, बच्चों को भी माला करेगा ना, देखना क्लास में पढ़ाई भी बढ़िया होगा, हाँ बच्चा अच्छा पढ़ेगा, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, तुम बोल दो, उसके बाद में कृष्ण रुक्मिणी लास्ट में ले आएंगे, फिर शादी करा देंगे, सब इधर आओ सामने जाओ। अब देखो अभी कृष्ण रुक्मिणी आने वाले हैं, कृष्ण रुक्मिणी शादी देकर जाना फटाफट बोलो, और तो आगे जाओ, क्या आगे वहां बैठो, हाँ बोलो, सभी लोग एक बार हाथ उठा के बोलेंगे हरे। बहुत अच्छा उत्सव हुआ यहाँ पर, और अभी विश्राम की तरफ जा रहा है, भागवत कथा खत्म नहीं हो रहा, क्या जा रहा विश्राम, कल से तो यहाँ पर टेंट भी नहीं होगा, महाराज भी नहीं होंगे, कथा भी नहीं होगा, परंतु जो कोई कथा में और भी कथा सुनना चाहता है तो ऐसी कथा कल दिल्ली में भी बहुत बड़ी सभा होगी, आड़गंज में और नोएडा सेक्टर 12 से बस जाएगी, उस बस में कोई फीस नहीं है, अगर कोई जाना चाहता पर पहले नाम लिखाना पड़ेगा, वहाँ पर हमारे संजय रावत गुरु जी हैं, उनको नाम लिखा देना आज, जो कल महाराज जी की कथा है पहाड़गंज में, दिल्ली में एक दिन का प्रोग्राम है वो, तो कितने बजे? 3 बजे से बस निकल जाएगी, एकदम 3 बजे बस निकल जाएगी सेक्टर 12 में विनोद बिहारी गौड़ी मठ से, वहाँ पर जाना फ्री, प्रसाद फ्री, आना फ्री, सब फ्री है, सब फ्री, बहुत आनंद आएगा वहाँ पर, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, तो वो आज नाम लिख, कल परसों वहाँ पर जगन्नाथ की रथ यात्रा भी है, और ये श्रीमद भागवत कथा हुई, इसमें बहुत सारे भक्त लोगों ने तन मन धन से सेवा की, बड़ी सहायता की, तो उनका जो नाम है हम थोड़ा प्रयास करेंगे धन्यवाद देने का, यद्यपि मैं पहले ही बता रहा हूँ किसी ने यहाँ पर एक माचिस भी दिया हो, किसी ने यहाँ पर एक अगरबत्ती भी दिया है, चावल का एक दाना भी दिया है, भगवान उन पर कृपा करेंगे, परंतु कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत विशेष बढ़कर चढ़कर नाम लिया, सेवा किया, तो हम उन लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं। जैसे स्कूल में ना बहुत सारे बच्चे एग्जाम देते हैं पर फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आते हैं उनका स्पेशल नाम लिया जाता है, तो उसी के लिए जो और उत्साह है उनकी और सेवा हो उसी के लिए हम लोग धन्यवाद करेंगे। इसमें सबसे पहले है जो बहुत सारी माताएं, जब भागवत कथा प्रारंभ हुई तो कलश यात्रा में बहुत समय से पहले ही आ गई, यद्यपि हमारी तरफ से देरी हो गई, इसमें माताएं सुबह 10 बजे आके बैठ गई और बहुत समय तक बैठी भी रही, हम परिक्रमा में थोड़ी तैयारी, माइक की तैयारी और कलश की तैयारी आदि आदि में समय लगाया, जो कलश यात्रा में जितनी भी माताएं आई हैं उन सबका धन्यवाद करना जोरदार तालियों से, एक एक मैं बोलूँगा आप धन्यवाद। और कलश में
महाराज जी को जो बार बार रोज लेके आते थे यहाँ पर और रोज छोड़ के आते थे चेतन प्रभु जी, इनका परिवार बहुत, इन्होंने हर तरह से सेवा की। जो हमारे प्रभु जी महाराज जी को खोड़ा में जो बहुत ट्रैफिक होता है, टाइम से पहले वहाँ पहुँच जाते थे, टाइम से पहले यहाँ आते थे और अपना काम वाम भी छोड़कर सब तरह से भागवत कथा में वो लगे हुए हैं। इसलिए चेतन प्रभु और इनके परिवार वालों के लिए आप जोरदार ताली बजाएंगे। और बहुत सारे भक्त लोगों ने महाराज जी को निमंत्रण दिया, अपने घर में प्रसाद कराया, कथा भी श्रवण किया। जिन जिन घर में हम लोग गए और जिन जिन्होंने हमें निमंत्रण दिया जा भी नहीं पाए, हम सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं। जहाँ भी खोड़ा वासियों से बहुत प्रेम मिला वहाँ यहाँ पर, और बहुत ही इन्होंने महाराज की बढ़ चढ़ कर सेवा की। तो सभी लोग, जो जो माताओं ने महाराज जी की प्रसाद की व्यवस्था की, सभी लोग उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। और इतने जो माइक की हम कथा सुन पा रहे, देखो कितना पंडाल भरा हुआ है। ये पंडाल की बहुत सुंदर व्यवस्था हमारे हर बार, जैसे ब्रजेश गुप्ता जी करते हैं, इस बार भी इन्होंने बहुत ही कम पैसे में, उनका पूरा परिवार हमेशा सेवा करता ही है तन मन धन से, और हर तरह से उन्होंने व्यवस्था की है। ब्रजेश गुप्ता जी का हम धन्यवाद करते हैं, आप जोरदार ताली बजाएंगे ब्रजेश गुप्ता टैंक वाले की। और ये जो कथा हम बोल रहे हैं बहुत दूर तक सुनाई दे रही है, लगभग लास्ट तक जा रही है। इसमें पता है सबसे बड़ा योगदान किसका है? माइक वाले भैया सूरज भैया है, बहुत अच्छी इन्होंने व्यवस्था की है, बड़े ही सरल है। और जब भी कोई थोड़ी भी दिक्कत होती है तो इन्हीं के ऊपर देखते हैं सारे लोग, इधर वाले भी लोग। तो बहुत सारे लोगों की ये लोग डांट भी सुनते, आज है नहीं वो, तो नाइट में भी ड्यूटी करते थे, सुबह भी यहाँ पर आके बैठते थे। सूरज भैया नहीं है पर उनके यहाँ बैठे हैं। इन सूरज भैया माइक वाले के लिए आप जोरदार ताली बजाएंगे।